गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर? पूरा बेस से मैं आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है ना। सो आप कोई भी लेवल पे हो, यू नो यू मे बी एट सीपीटी लेवल जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ही नहीं, बट उसको भी अगर समझना है ना तो वो भी समझ पाएगा। दैट इज द बेस फ्रॉम विच आई विल कैरी ऑन दिस चैप्टर। आईपीसीसी लेवल वाला पढ़ सकता है इसको, सीएस एग्जीक्यूटिव वाला, सीए फाइनल वाला, बट ऑब्वियस सीएस वाला, आईसीडब्ल्यूए वाला। आईसीडब्ल्यूए तो पूरा बेस ही कॉस्टिंग के ऊपर है। सो यू आर फ्रॉम एनी फील्ड, डजंट मैटर, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है, दिस इज द वीडियो दैट यू हैव टू फोकस ऑन। शैल वी स्टार्ट एवरीवन, एवरीबॉडी? चलो ऑन दैट नोट स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एक बेस से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर वन, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो एंड ऑफ द डे अप्लाई कहां पे करनी है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर्स में पहले भी बोला हुआ है, यू हैव टू थिंक थिंग्स फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो कोई भी चीज अगर आपको करनी है ना, तो आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के नजरिए से करनी है। हर एक चीज को किस पर्सपेक्टिव से सोचनी है अपने को? बिजनेस। सो आज जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं ना, तो मेरे लिए ये क्लासरूम नहीं है, मेरे लिए ये एक फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। एंड कैसे ये फैक्ट्री में अपन लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर पाएंगे? वी विल हैव कैरेक्टर्स हियर हु विल गिव अस आंसर्स, वी विल क्वेश्चन देम, एंड बेस से कहां से ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फंडामेंटल, कहां से ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, एक एक चीज को अपन लोग कवर करते करते आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी? यस। चलो सो ऑन दैट नोट, सबसे पहला मैंने क्या बोला कि आपको हर एक चीज कौन से पर्सपेक्टिव से सोचनी है। एवरीबॉडी, कौन से पर्सपेक्टिव से सोचनी है? कौन से पर्सपेक्टिव से सोचनी है? बिजनेस पर्सपेक्टिव से। मैं बोलूंगा तभी आना थोड़ा। ऑलराइट, हर एक चीज कौन से पर्सपेक्टिव से सोचनी है बोलो? बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचनी है। एंड अगर आप कोई भी चीज बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में आएगा वो क्या है? बिजनेस को क्या चाहिए? एवरीबॉडी, बिजनेस को क्या चाहिए? मैं कोई भी बिजनेस क्यों चालू कर रहा हूं? बॉटम लाइन व्हाट? बराबर है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिलहाल साइड पे रखते हैं, फिलहाल अपन लोग फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? कि भाई मेरे को बिजनेस करना है। एंड बिजनेस का सबसे पहला उसूल क्या है? बॉस मैं इधर धंधा करने के लिए आया हूं, आई हैव टू अर्न नेट प्रॉफिट, यस और नो? सो प्रॉफिट कमाने के लिए मैं यहां पे आया हूं, एंड दैट इज माय होल एंड सोल इंटेंशन। एवरीबॉडी, यस और नो? सो जब मैं कोई बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो मैं सोच के आऊंगा कि हाँ यार, ये बिजनेस में बहुत पैसा है, ऑब्वियसली पैशन है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद का क्लास चालू किया, तो मेरे को टीचिंग का पैशन है, बट मैं टीचिंग के पैशन के साथ अगर मैं खुद का क्लास चालू कर रहा हूं, अगर मैं मेरे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स सेल कर रहा हूं, ऑल ऑफ दैट, दैट इज विद एन इंटेंट। व्हाट इज द इंटेंट एवरीबॉडी? करेक्ट, नेट प्रॉफिट इज द इंटेंट। अगेन बेस पे आते हैं, सो बिजनेस पर्सपेक्टिव से मेरे को सोचना है। बिजनेस का एंड इंटेंट होता है टू अर्न। What is net profit according to you in a layman's language? एक simple layman के language में net profit क्या होता है? Everybody, क्या होता है? Correct. So we will say that net profit is nothing but sales minus costs. बराबर है? इसमें total cost, fixed, variable, semi-variable, जो भी है, दुनिया भर के जितने भी cost है, सब आ गए। Correct. Layman, simple language में अगर मैं बात करता हूं, तो sales माइनस कॉस्ट इज माय नेट प्रॉफिट। तो अगर मैं आज कोई बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो मुझे पता है उसका एंड इंटेंट है टू अर्न, और वो नेट प्रॉफिट मैं कैसे अर्न करूंगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सो अब कोई भी एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, तो ले फॉर एग्जांपल क्लासेस का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैंने खुद का मेरा क्लास चालू किया है, तो मेरे लिए सेल्स क्या होगा? फीस दैट आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। करेक्ट, मेजरली मेरे लिए, अगर मेजरली हाँ, मेजर रेवेन्यू सोर्स, मेजर रेवेन्यू पॉइंट क्या होगा मेरे लिए? फीस दैट आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या होगा? फीस दैट आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स। एवरीबॉडी, यस और नो? करेक्ट। कॉस्ट क्या होंगे मेरे? कैन आई से रेंट? अगर मैंने क्लासरूम रेंट पे लिया है, तो कैन आई से रेंटल इनकम जो है वो मेरा? हाँ, या ना? से फॉर एग्जाम्पल स्टाफ होगा मेरा, तो स्टाफ को पे करना पड़ेगा एडमिन कॉस्ट, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, कैन आई से वो सब मेरे कॉस्ट होंगे? हाँ, या ना? चलो सही है। तो अब
यहां पे ये मैंने आपको बताया क्लास के रिलेटेड, वैसे ही मेरे को कोई और बिजनेस चालू करना है, समझो मेरे को पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू करना है, तो अगर मेरे को पेन बना के बेचना है तो वो पेन बना के बेचकर मैं क्या करने वाला हूं एंड ऑफ द डे, क्या चाहिए मुझे? नेट प्रॉफिट चाहिए। कैसे मिलेगा ये नेट प्रॉफिट? सेल माइनस कॉस्ट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेल फॉर मी? मेरे को रेवेन्यू कहां से आने वाला है? पेन बेच के, बराबर है, बट उसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा पहले। एवरीबॉडी यस और नो, कॉस्ट क्या इंकर करना पड़ेगा? कहना इसे एक फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स होगा, वो फैक्ट्री रेंट पे लेना पड़ेगा, लेबरर्स हायर करने पड़ेंगे, मशीन खरीदना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ खर्चे होंगे। एवरीबॉडी यस। और कोई भी बिजनेस ले लो, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का बिजनेस लेते हैं, कौन सा? मोबाइल। अगेन उसमें भी अर्न क्या करना है? से फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल हूं, ठीक है, एप्पल, मैं स्टीव जॉब्स हूं एप्पल, एंड वहां पे स्टीव जॉब्स बोलता है बॉस मेरा एंड इंटेंट क्या है? टू अर्न नेट प्रॉफिट। स्टीव जॉब्स एप्पल नाम तो सुना होगा, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड कंपनी बाय फार। सो वो भी बोलता है बॉस नेट प्रॉफिट अर्न करना है। कैसे अर्न करेगा वो नेट प्रॉफिट? एवरीबॉडी, सेल्स माइनस कॉस्ट। उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल क्या है? सेलिंग ऑफ हिज एप्पल डिवाइसेस, iPad हो गया, iPod हो गया, iPhone हो गया, ऑल ऑफ दैट, करेक्ट। उसको क्या कुछ खर्चे करने पड़ते हैं? करेक्ट ना, उसको पहले iPhone बनाने के लिए बहुत सारी चीजें प्रोक्योर करनी पड़ेगी, अगेन उसने भी कोई जगह ली होगी रेंट पे, वो पे करना पड़ेगा, उसका भी स्टाफ होगा, उसका भी लेबरर्स होंगे, उसको भी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरीबॉडी करेक्ट? सो एक चीज बॉटम लाइन समझ गई भाई, सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मेजरली यही दो इंडस्ट्री होंगी, बराबर ना? कार हो गया, वो क्या हो गई? कार क्या हो गई? प्रोडक्ट इंडस्ट्री। क्लासेस हो गया, वो क्या हो गई? सर्विस इंडस्ट्री। सो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, कार इंडस्ट्री, सॉरी सर्विस इंडस्ट्री हो, सबका एंड इंटेंट एक ही होता है, एंड दैट इज अर्निंग ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? बोलो, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? अभी क्लियर विद दिस बेसिक फंडामेंटल? ठीक है, सो अपने को बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। बिजनेस बोलता है प्रॉफिट लाके बता। शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कोई भी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि उस कंपनी का वैल्यू बढ़े। कंपनी का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब वो कंपनी, बोलो, प्रॉफिट अर्न करेगी। सिंपल है कि नहीं? बोलता है कि नहीं तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, कि भाई वो कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका वैल्यूएशन अच्छा हो, जो अच्छा डिविडेंड्स देती हो। अब वो ऐसी कौन सी कंपनी होगी? वो कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है। एंड यहां पे नेट प्रॉफिट अर्न करना मेरे लिए क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट। आर वी क्लियर विद दिस बेसिक पॉइंट? With this basic point, अब अपन लोग next point के ऊपर move करते हैं। हाँ भाई, so net profit earn करना है, sale minus cost is the way I will earn my net profit. Now I will move on to the next aspect. तो मेरे को अब मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्लासेस का बिजनेस स्टार्ट करूंगा या पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक फैक्ट्री लूंगा, बराबर है? फर्स्ट ईयर है तो क्या सीधा मैं एक्सपेक्ट करूं कि 10 लाख मेरा पेन सेल हो जाएगा, या मेरे को एक सोच समझ के फिगर लेना पड़ेगा? करेक्ट। तो कहना इसे उसके लिए पहले मेरे को एक मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, एक डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। किस चीज का मार्केट रिसर्च एंड डिमांड एनालिसिस करूंगा? कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का या मेरे सर्विस का कितना डिमांड है, बराबर कि नहीं? अगर मेरे को क्लास चालू करना है तो मैं 200 स्टूडेंट्स का जो कैपेसिटी है वो क्लास लू, 2000 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है वो क्लास लू, या 20 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है वो क्लास लू? कैसे पता चलेगा? 200 का ले लिया 20 आए, 20 का ले लिया 2000 आए, कुछ तो सिंक बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ तो सिंक बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? एवरीबॉडी यस और नो? तो यहां पे वो सिंक कैसे बैठेगा? वेदर आई विल बी एबल टू अर्न, वेदर आई विल एबल टू गेट दोज नंबर्स, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैन आई से एक मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, कैन आई से एक डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट का, मेरे सर्विस का? एवरीबॉडी यस और नो? बराबर है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, एक डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मेरे को ये मार्केट रिसर्च एंड डिमांड एनालिसिस करता हूं, तब मुझे आइडिया आएगा कि ओके दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर्स दैट आई एम गोइंग टू गेट, करेक्ट। सो मैं एक एनालिसिस करता हूं कि भाई कॉस्टिंग में कितने स्टूडेंट्स नहीं क्लियर हो पाए हैं, एंड उनमें से कितने लोगों को शायद फास्ट ट्रैक का जरूरत पड़ेगा, या इन जनरल मैं एक एनालिसिस करता हूं कि भाई टोटल 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 90 स्टूडेंट्स कॉस्टिंग का क्लास करना चाहते हैं, बाकी 10 सेल्फ स्टडी करेंगे, 90 में से कुछ स्टूडेंट्स एक्स क्लास में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स वाई क्लास में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स जेड क्लास में जाएंगे, कुछ जो बचे हैं वो मेरे पास आएंगे, बराबर कि नहीं? तो वो एनालिसिस से मुझे पता चला कि भाई मेरे पास इतने स्टूडेंट्स का स्कोप है, उस हिसाब से मैं मेरा क्लासरूम लूंगा, करेक्ट और नो?
इन द सेम वे मेरे को पेन बनाना है तो मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा, तो रैंडमली कितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी का फैक्ट्री सेट कर दूंगा या सोच समझ के? कैन आई से सोच समझ के करूंगा मैं, बराबर है? अब इट में हैपन दैट एग्जैक्टली उतना हो, इट में हैपन थोड़ा ज्यादा हो जाए, इट में हैपन थोड़ा कम हो जाए. बिजनेस है ना, किसी को एग्जैक्ट पता होता है क्या क्या होने वाला है? बोलो, पता होता है क्या किसी को? नहीं. बट आप पहले डिमांड एनालिसिस करते हो, आप पहले एक मार्केट रिसर्च करते हो, बेस्ड ऑन दैट आपको एक आइडिया आता है, एंड दिस इज वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट्स. इट स्टार्ट्स ऑन द प्रीमाइस दैट यू विल हैव टू एस्टिमेट थिंग्स ऑन द मार्केट क्राइटेरिया, एंड देन आपने जो सोचा है वेदर वो काम हुआ है कि नहीं, वो एनालिसिस आपको करना है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ओरिजिनली इसका नाम मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. क्या नाम होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. खाली ये वर्ड याद रखना, इसको आगे मैं कनेक्ट करूंगा. क्या वर्ड बोला मैंने? नाउ क्यों मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं. बिजनेस क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट क्या है? ठीक है. सो हर एक बिजनेस को कहीं ना कहीं सेल्स के लिए कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो उनका सेल्स का काम करेंगे, कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो उनका कॉस्ट मैनेज करेंगे. इट मे बी योर प्रोडक्शन, इट मे बी योर परचेज कॉस्ट, इट मे बी योर लेबर कॉस्ट, इट मे बी योर फिक्स्ड ओवरहेड्स. एवरीबॉडी यस और नो? बोलो यस. सो नाउ बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूंगा, अब एक रियल लाइफ सिनेरियो बनाने वाला हूं जिससे अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कनेक्ट करेंगे. मेरे को एक चीज पता चल गई है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव बोलता है कि मुझे नेट प्रॉफिट अर्न करना है. नेट प्रॉफिट मैं कैसे अर्न करता हूं? बाय सेल माइनस कॉस्ट. अब अगर मुझे कुछ चीजें सेल करनी है तो उसके पहले उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी मैं सेल कर पाऊंगा. बोलो, अगर मुझे कोई चीज सेल करनी है तो मुझे उसके पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना? तो कितना प्रोडक्शन करूं, क्या नहीं से उसके लिए मुझे एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, एक थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा कि भाई ठीक है इतना मार्केट में शायद डिमांड है, तो वो सेल के बारे में मार्केट डिमांड का बात हो गया, उससे रिलेटेड मेरे को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्या नहीं से वो कॉस्ट का बात हो गया, प्रोडक्शन करने के लिए शायद रॉ मटेरियल्स परचेस करना पड़े, वो उसका एस्टिमेट हो गया, बराबर है कि नहीं? कैन आई से फॉर ऑल दीज थिंग्स मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. हर एक कंपनी में, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या कहीं पे भी, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, हाँ ना? सो मार्केट का डिमांड कितना है वो मुझे कौन बताएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा बॉस कितना डिमांड है जरा बता हमको, तब उस हिसाब से हमको पता चलेगा कि हमको कितना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बात आ गया यहां पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चल गया इतना प्रोड्यूस करना है, उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल मंगवाएगा. कौन खरीदने को जाएगा रॉ मटेरियल? समझ रहे हो? परचेज डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा. एकदम लाइव सिनेरियो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को क्या होता है बिजनेस का? दिस इज हाउ बिजनेस फंक्शंस. सो आई विल हैव अ मार्केटिंग टीम, अ सेल्स टीम, who will give me an estimate that ऐसा ऐसा हमको लग रहा है हमारे रिसर्च के हिसाब से. तो मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि देखो तुमने मुझे बोला है कि इतना सेल्स होने वाला है, इतना मार्केट डिमांड है अपने प्रोडक्ट का, और मैं उनको अच्छा खासा टाइम दूंगा. मैं उनको बोलूंगा आप जाओ पूरा मार्केट एनालिसिस करके आओ, फिर आके मेरे को बोलना. समझ रहे हो? और फिर ये चीज आपने मुझे डे वन पे बोली है, 1 अप्रैल है आज, मैं मेरा प्रोडक्शन परचेज स्टार्ट कर रहा हूं, तुमने मुझे डे वन पे बता दिया है कि ये सर होने वाला है, हाँ या ना? एक साल बाद मैं आपको मिलता हूं, और फिर बाद में या एक प्रोजेक्ट के लिए, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मिलूंगा. आपने मुझे बताया था कि कितना एक्सपेक्टेड डिमांड है, कितना मार्केटिंग होने वाला है, कितना सेल्स होने वाला है, बराबर है? मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बैठूंगा और फिर अपन डिस्कस करेंगे क्या आपने जितना बोला था वैसा हुआ या वैसा नहीं हुआ. अगर वॉट यू हैड सेड एंड उससे ज्यादा हुआ, आई विल बी हैप्पी और सैड? I'll be happy and I'll give you a reward. And आपने जितना बोला था उससे कम हुआ, sales की बात कर रहा हूँ, sales अगर कम हुआ, I'll be happy or sad? I'll be sad. तो what will I do? Penalize करूँगा. अगर मैं सामने reward दे रहा हूँ तो सामने मैं penalty भी charge करूँगा, हाँ कि ना? Everybody yes or no? See this is what happens with our real life situation also. अपन भी कोई exam दे रहे होते हैं तो कुछ एक estimation होता है ना. 8 subject है अभी. Say for example अगर मैं CA final वालों की बात करूँ तो 8 subject है. क्या 8 subject में आप बोलोगे कि मेरे को exactly सब में 50 आएगा?
होगा ना, क्यू आपका एकदम स्ट्रांग होगा। हो सकता कुछ लोगों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है तो वो बोलेगा मेरे को मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 65-70 क्रॉस एक्सपेक्टेड है, मेरा थ्योरी में मेरे को 40-50 में एक्सपेक्टेड है, या मेरा दोनों स्ट्रांग है तो दोनों में अच्छा, दोनों वीक है तो शायद मेरे को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। क्या ना इसे अपन लोग भी ये एस्टिमेट बनाते हैं और फिर बाद में कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के साथ, इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के साथ। आइदर इट रिजल्ट इन टू अ पॉजिटिव if we pass, and it may result into a negative if we don't pass. Positive आया, superb, it is a reward, मैं next level पे पहुंच जाऊंगा, आया ना। CPT में result positive आया तो मैं IPCC में पहुंचूंगा, CPT तक मैं कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा था, IPCC level पे आऊंगा, अब internship करूंगा, थोड़ा पैसा कमाना चालू, वापस वहां पे भी positive result आया, final में पहुंचा, final के बाद chartered accountant बन गया, positive results। अगर पास नहीं हो पाया देन इन दैट केस कैन आई से वो इट इज अ नेगेटिविटी, पेनल्टी लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली अपन लोग करते आ रहे हैं अपनी स्टडीज के साथ। वही चीज अगर अपन अपने लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे अपन सोचते हैं कि यार मेरे को ये बार इतना इतना मार्क्स लाना है हर एक सब्जेक्ट में, इस हिसाब से मुझे मेरे CA का एग्जाम्स क्लियर करना है, CS का, CWA का एग्जाम्स क्लियर करना है, तो अपन जब इंडिविजुअल लेवल पे ये सब सोचते हैं तो आपको नहीं लगता है कि कंपनी को भी अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से नेट प्रॉफिट के लिए ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि बॉस मैं इतना नेट प्रॉफिट ला के दूंगा, करेक्ट? आपकी कंपनी में देखो एक बड़े लेवल पे सोचना, तो अगर आपकी कंपनी में आप चाहते हो कि कोई आके इन्वेस्ट करे तो वो कब इन्वेस्ट करेगा, जब आप उसको प्रॉफिट कमा के दोगे। तो वो आपको एनुअल जनरल मीटिंग होता है कि नहीं, हर साल अप्रैल मई जून ये टाइम पे सब कंपनीज का एनुअल जनरल मीटिंग होता है। वो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन होता है ना कि हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, बराबर? ऐसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो मुकेश अंबानी विल सिट विद यू एंड ही विल डिस्कस विद द शेयर होल्डर्स। टाटा का एनुअल जनरल मीटिंग है, रतन टाटा विल सिट विद यू एंड ही विल हैव अ डिस्कशन। इंफोसिस, नारायण मूर्ति विल सिट विद यू एंड हैव अ डिस्कशन। वो आपको बताएंगे कि देखो लास्ट ईयर का हमारा इस हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ जो भी है हुआ है, बट आप आज भी मेरे कंपनी में इन्वेस्टेड रहो। क्यों आज भी आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टेड रहो, पास्ट की वजह से या फ्यूचर की वजह से? से फ्यूचर के लिए हम लोग सोच रहे हैं, आज आपको एनुअल जनरल मीटिंग में बता देते हैं कि फ्यूचर में हमारा सेल्स और ग्रो होगा, फ्यूचर में हमारा कॉस्ट और कम होगा, फ्यूचर में हमारा कंपनी का और एक्सपांशन होगा, तभी आप इन्वेस्टेड रहोगे। एवरीबॉडी यस और नो? सो कैन आई से फ्यूचर का प्लानिंग मेरे को अभी से करना पड़ेगा और मेरे को मेरे स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? फिर वही प्लानिंग बराबर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा। अगर आपने अच्छा किया होगा वो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर इन्वेस्टेड रहेगा, आपकी कंपनी का शेयर बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। एवरीबॉडी यस? और वही अगर नहीं हुआ तो उतना ही नेगेटिव जाएगा। सो कैन आई से ये प्लानिंग डे वन से हर एक इंसान को करनी पड़ती है, बी इट एट इंडिविजुअल लेवल और बी इट एट कंपनी लेवल, सबको ये चीज करनी पड़ती है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहीं ना कहीं अपने को यही सब चीजें सिखाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यही बोलता है, प्लानिंग करो डे वन से कि कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट अर्न करेगी। सर सिंपल है, नेट प्रॉफिट अर्न करना सेल्स माइनस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट अर्न करना मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट। पकड़ते हैं इंडिविजुअल लोगों को, कौन सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स गो टू दैट पर्सन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। अगर तुमने जैसा पूरा मार्केट रिसर्च किया है वैसा ही हुआ, थम्स अप। नेक्स्ट ईयर आपका अप्रेजल होता है कि नहीं, सुना अप्रेजल? कंपनी में आपका अप्रेजल होता है ना, जिंदगी एक साल में 10 लाख है आपका टोटल सैलरी, तो जिंदगी भर 10 लाख रहेगा कि बढ़ेगा? बेस्ड ऑन प्योरली परफॉर्मेंस, आज की तारीख में तो सब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, दैट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ये डिटरमाइन करने का कि कितना सेल्स आप कर पाओगे, कितना आपने डिमांड एस्टिमेट किया है, प्रिडिक्ट किया है, कैसा मार्केटिंग कर पाओगे, वेदर यू आर एबल टू मीट दैट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप कितना खरे उतरे हो इज माई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। So, आज के बाद अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्ड नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, समझ रहे हो ना? ट्रेडिशनली, फंडामेंटली, लॉजिकली इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बट इंस्टीट्यूट ने ये नाम दिया है, ठीक है, वी विल रिस्पेक्ट दैट, बट फंडामेंटली तुम समझो ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज वॉट वी आर डूइंग। जैसे ही मेरे को सेल्स मैनेजर से नंबर्स आया, मैं इमीडिएटली, सेल्स मैनेजर तो बेचने वाला है ना, बट वो बेचेगा कब, बराबर है? तो किसके पास जाऊंगा मैं? Try and understand कौन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ पाओगे और तभी मजा आएगा ना करने में।
तो फिर मैं जाऊंगा मेरे प्रोडक्शन मैनेजर के पास कि प्रोडक्शन मैनेजर तेरे को इतना इतना प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा मैं प्रोडक्शन तो कर दूंगा पर प्रोडक्शन करूंगा किससे? रॉ मटेरियल से ना, तो मेरे को इतना रॉ मटेरियल लाके दो। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा मेरे को इतना रॉ मटेरियल लाके दो, वो बोलेगा 100 रॉ मटेरियल लाके दो। उसने अगर ये प्रोडक्शन करने के लिए 102 रॉ मटेरियल लाके का यूज किया तो अपन प्रोडक्शन मैनेजर को बोल सकते हैं भाई तूने तो बोला था 100 रॉ मटेरियल में हो जाएगा, क्यों ज्यादा गया? भाई मेरे को भी एंड ऑफ द डे आगे शेयर होल्डर्स को जवाब देना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वो रॉ मटेरियल लाने के लिए क्या प्रोडक्शन मैनेजर जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करेगा या रॉ मटेरियल लाने को जाएगा? प्रोडक्शन करेगा ना, वो तो इनसाइड द फैक्ट्री है। कौन लाएगा वो लाने के लिए? करेक्ट, परचेस डिपार्टमेंट से निकलवाना पड़ेगा, बस कितना कॉस्ट लगने वाला है। ये सब की वजह से, वैसे ही लेबर के पास भी जाऊंगा मैं, लेबर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब के साथ सिंक में काम करके मुझे पता चलेगा कि एंड ऑफ द डे मुझे कितना नेट प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं जाऊंगा मेरे सेल्स मैनेजर के पास, मेरे मार्केटिंग मैनेजर के पास, जिससे मुझे टोटल सेल्स का आइडिया आएगा। कॉस्ट में मोटा मोटा मैं बोलूँ तो मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट में मोटा मोटा यही है ना चार। तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाऊंगा, परचेज मैनेजर के पास जाऊंगा जिससे मुझे मटेरियल के कॉस्ट के बारे में पता चलेगा, मैं लेबर मैनेजर के पास जाऊंगा, एचआर मैनेजर के पास जाऊंगा जिससे मुझे लेबर का कॉस्ट पता चलेगा, है ना। फिर मैं मेरे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर टीम के पास जाऊंगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर टीम के पास जाऊंगा, इन सब लोग के पास से मुझे डेटा मिल जाएगा जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, विच आई विल बी शेयरिंग विद माई स्टेक होल्डर्स। या अगर मेरा सबसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लिस्टेड कंपनी नहीं है, मेरा खुद का छोटा मोटा बिजनेस है, तो भी मेरे दिमाग में एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, सो दैट आई बीट दैट नेट प्रॉफिट। एवरीबॉडी यस और नो? तो दिस इज वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में अपन एग्जाम्पल पे आएंगे। आपको मैंने बेस समझा दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपने को क्या करना है, बेसिकली क्या करना है अपने को, बेसिकली क्या करना है अपने को, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या करना है अपने को, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड उसने कैसा परफॉर्म किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, इज द मेजर बेस फैक्टर जो अपने को यहां पे समझना है। समझ रहे हो आप लोग? वो समझने के लिए अब अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू कॉन्सेप्ट का आइडिया दे दिया है, अब अपन जाएंगे एक एग्जाम्पल की ओर, अब अपन जाएंगे एक लाइव वायर एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से हर एक चीज को यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वंस द एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड, अगेन वी विल गो बैक टू द कॉन्सेप्ट वेर इन डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस विल बी अंडरस्टूड। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सब लोग को समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सो ऑन दैट नोट अब अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा जिससे अपन कनेक्ट करेंगे हर एक चीज को जो अभी अपन लोग ने समझने की कोशिश की है। एक सेकेंड में वापस, बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स के लिए कुछ डिपार्टमेंट, कॉस्ट के लिए कुछ डिपार्टमेंट, टोटल सब डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के नंबर्स आ गया, पता चल गया नेट प्रॉफिट जो मैं कम्युनिकेट करूंगा मेरे स्टेक होल्डर्स को। मैं, मेरा छोटा सा बिजनेस है ना, तो तुम बोलोगे सर लिस्टेड कंपनी का स्टेक होल्डर्स होता है, आपका छोटा सा बिजनेस है, फॉर मी माय पेरेंट्स आर माय स्टेक होल्डर्स। एंड ऑफ द डे लॉस हुआ तो मेरे पास तो बेयर करने का कैपेसिटी नहीं है, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। सो अपने लिए कौन हो गया भाई? छोटा आदमी के लिए, स्टेक होल्डर सबके लिए। कहीं ना कहीं आपको जवाब सबको देना ही है, यस और नो? सो दैट इज हाउ दिस होल पर्सपेक्टिव इज टू बी अंडरस्टूड। अब आ रहे अपन लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल की ओर। आर वी रेडी? ओके, सो एग्जाम्पल नंबर वन पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर वन में अपन कोई एक प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है? तुम लोग में से मुझे कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पात्र चाहिए रहेंगे जो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर्स बनेंगे, बट जब वो आएगा तब मैं बताता हूँ। फिलहाल आते हैं अपन लोग एग्जाम्पल नंबर वन के पास। बोलो कौन सा एक प्रोडक्ट अपन लोग बेच रहे हैं? कौन सा तो भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपन लोग, पेन। चलो वी विल टेक दिस सिंपल सा पेन, पेन। हाँ चलो, एक ऐसा पेन जिसमें सीए फाइनल का एग्जाम लिखते हैं ना तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या बोलते हो, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाए तो सीधा मतलब 10,000, 20,000, 30,000 कितना प्रोडक्शन वैल्यू बन जाएगा। सो हम ऐसा पेन बना रहे हैं कि जहां पे आप अगर इधर 8 बटन होंगे, FR क्लिक करोगे तो FR का आंसर
ऑटो इनबिल्ट होगा इसके अंदर मॉड्यूल और पीएम, सिर्फ आपको यहाँ पे कोडिंग करके क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो तुम बोलोगे सर फिर आपकी भी जरूरत नहीं है, हम वो पेन खरीद लेंगे, इधर कॉस्टिंग का भी बटन होगा। चलो एनीवेज, ख्याली दुनिया में रहने में क्या जाता है ना, कुछ पल की खुशियाँ ले लेते हैं ना, बाद में आर्टिकलशिप में जाके मिलने वाली है क्या ये खुशियाँ? नहीं ना। तो चलो यहाँ पे, सो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ पेन, जहाँ पे अपना ये पेन ऑटो आंसर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो अब मेरे पास ये पेन, मेरे को बनाना है, तो इसको पेन का नाम अपन लोग क्या रखेंगे? एग्जाम पेन, ऐसा कुछ कुछ ऑथेंटिक नेम कुछ तुम लोगों को ध्यान में आ रहा है। सो ये है अपना एग्जाम्पल पेन, है ई पेन, ठीक है, ई पेन। अब भाई एकदम बोलते हैं ना, यूनिक प्रोडक्ट है ये, किसी को पता ना, बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? सो जी, आज की तारीख में क्यों एप्पल जैसा कंपनी इतना यूज लेवल पे आ पाया? क्योंकि स्मार्टफोन वो लेकर आया था, ठीक है ना। 2008 में व्हेन स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम वेयर इन यू विल हैव एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स, दैट चेंज द मोबाइल और अदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसके लिए वो प्रोडक्ट इतना मार्केट में बिक पाया और आज भी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में से उसका नाम आता है। क्यों? बिकॉज यू वर एबल टू मेक दैट यूनिक प्रोडक्ट, समथिंग विच नोबडी कुड इवन थिंक ऑफ। कह रहे इसे अब अपन लोग आ जाते हैं ई पेन के ऊपर। किसके ऊपर? ई पेन सीक्रेट। ओके, ई पेन क्या करता है? चलो, सो ई पेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे वो 8 बटन होगा, जो उसका एग्जाम होगा उस पर क्लिक करेगा और आंसर्स ऑटोमेटिकली आएगा, बराबर है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन बना रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो मैंने पहले मेरा डिमांड वो किया, तो अभी यहाँ पे मेरे को कोई चाहिए। सो आई एम द मेकर ऑफ दिस पेन, ठीक है ना, मैं ये पेन को पूरा बनाने वाला हूँ। से मिस्टर संकल्प इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, जो ये पूरा पेन बनाता है, मैं फाउंडर हूं इस कंपनी का, ठीक है। अब आप में से कुछ किसी को ये चीज पता चल जाती है कि सर ऐसा एक पेन बना रहे हैं, जैसे वो मिस्टर इंडिया मूवी देखा है, मिस्टर इंडिया में होता है ना, वैसे आप लोग में से किसी को पता चल जाता है, तो आप मेरे पास आते हो ये पेन का ऑर्डर लेके। अभी तक सबको नहीं पता है, ठीक है ना। सो ये पेन मैं बना रहा हूं, अब कोई आएगा मेरे पास जो ये पेन खरीदना चाहता है, तो मेरा पहला कस्टमर कौन बन? मैंने तुम लोगों को क्या बोला, यहाँ पे अपने को एक रियल लाइफ सिचुएशन पैदा करना है, तो मुझे तुम्हारे ही यहाँ से कैरेक्टर्स पात्र चाहिए। तो कौन है मेरा कस्टमर बताइए, पहला कस्टमर कौन है मेरा? यस, वीनस, वेरी गुड। सो वीनस मेरा कस्टमर है। वीनस बोलता है कि सर मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि कैसे वो ई पेन बनाया जाए। मैं बोलता हूँ यस। तो फिर वो मेरे को बोलता है कि सर आप ऐसा करो मेरे लिए, तो मैं ज्यादा सीए लोगों से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ना, तभी तो ये सब बना पाऊंगा, ठीक है। तो भूल जाओ, मैं फिलहाल चार्टर्ड हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ जो ऐसा पेन बनाता है, बट वो चाहता है कि ये चीज सीए इंडस्ट्री में आ जाए, ये पेन सीए इंडस्ट्री में लॉन्च हो जाए, तो वो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा सीए इंडस्ट्री का। तो वीनस मेरे पास ऐसा कस्टमर आता है और बोलता है कि हमको ऐसा वाला पेन बनाना है जो आप बनाते हो। बोला ओके सर बन जाएगा। तो मैं उसको पूछता हूँ कि सर आपको कितने क्वांटिटी ऑफ पेन चाहिए? तो वीनस पहले सोच रहा है कि यार मैं पहले है ना खाली बॉम्बे मार्केट के ऊपर कैप्चर करने का प्लान कर रहा हूँ, सो आई विल फोकस ऑन द बॉम्बे मार्केट। तो उसने एक एनालिसिस किया और वो बोला कि सर मेरे को है ना अराउंड 10,000 ई पेन्स चाहिए, बिकॉज बॉम्बे पे टोटल 10,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपियर द एग्जामिनेशन, सो बॉम्बे इंक्लूड्स बॉम्बे, अरे मैंने बोला सो बॉम्बे इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है ना, तो अपना नवी मुंबई, थाने, सब 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 आ गया। तो उसके हिसाब से 10,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो 10,000 लोगों के लिए वो 10,000 ई पेन बनाने वाला है। सो कैन आई से मुझे मेरा डिमांड मिल गया है? अरे हाँ ना। तो मुझे वीनस आके पूछता है कि सर 10,000 ई पेन बनाने का है, टेल मी एक पेन कितने का होगा? सीधी बात है ना, वो मुझसे सेलिंग प्राइस पूछेगा और तभी मैं उसको बोलूंगा, बोलूंगा कि ठीक है ये पेन अभी हम लोग का यूजुअली पेन का बिजनेस है, मेरा पेन का बिजनेस है, बट ई पेन हम लोग अभी फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं, तो आप ऐसा करो थोड़ा सा ये मॉल ही है यहाँ पे, थोड़ा आप घूम के आओ एंड 15-20 मिनट्स में आप आ जाओ, तब तक मैं आपको पूरा कॉस्टिंग और सेलिंग प्राइस और सब निकाल के बताता हूँ, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट आई टेल हिम। मैं बोला कि उनको कि सर थोड़ा मैं टाइड अप हूँ कुछ और चीजों में,
मैं उनसे अभी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांग रहा हूं. आई टेल हिम आप थोड़ा इधर उधर जाके आओ, घूम के आओ, एंड देन बाय दैट टाइम मैं आपको ये पेन का सेलिंग प्राइस बता दूंगा. ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है उसको, सेलिंग प्राइस क्या बताना है उसको, सेलिंग प्राइस. व्हाट एग्जैक्टली इज माय सेलिंग प्राइस? फंडामेंटली सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बोलो करेक्ट. सो फंडामेंटली सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट. सो सबसे पहला काम, तो नेट मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन कॉस्ट. सिंपल, मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 20% ऑन कॉस्ट. तो कहना इसे मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा द मोमेंट आई गेट, जैसे ही मेरे को, मैं पूछ रहा हूं तुमको, जैसे ही मेरे को कॉस्ट मिलेगा मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. तो मेरा सबसे फर्स्ट काम अभी क्या है, बोलो क्या? कॉस्ट. सो अब मेरे को फाइंड आउट करना है व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस ई पेन फॉर माय कस्टमर. करेक्ट, ये कॉस्ट के लिए मैं अब सबसे पहले, मेरे को कॉस्ट मतलब क्या ना, इसे मेरे को 10,000 ई पेन्स का प्रोडक्शन करना है. अरे हाँ या ना? तो अगर मेरे को इसका प्रोडक्शन करना है तो मैं किसको कॉल करूंगा? बोलो, बनाने कौन वाला है ये ई पेन, बनाने कौन वाला है? बराबर ना? तो मेरे को फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा ना ये पेन. अरे हाँ या ना? तो मैं किसको बोलूंगा ये पेन बनाने के लिए? प्रोडक्शन मैनेजर को. इमीडिएटली मैं कॉल किसको करूंगा? सी अंडरस्टैंड, हाँ, कौन सा मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. सीधा आप तुम लोग का गलती क्या करते हो, तुम सीधा मटेरियल कॉस्ट बराए, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, भूल जाओ वो सब. लेट्स डिराइव ईच एंड एवरीथिंग दैट दे हैव डन. सीधा ऊपर से ये फॉर्मूलाज गिरे होंगे या डिराइव हुए होंगे? सो कुछ एनालिसिस करके डिराइव हुए होंगे ना. लेट अस डिराइव दैट, बिकॉज एट योर लेवल और एट एनी लेवल इफ यू आर लर्निंग द फॉर्मूलाज यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर देम. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कैसे वो चीज डिराइव हुई है. फिर बाद में एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, वो आपको कैसा भी ट्विस्ट करे, अगर आप फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो ना, आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा. सो अब यहां पे अपन लोग आ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर. अब मेरे को ई पेन बनाना है. ई पेन कौन बनाने वाला है मेरी फैक्ट्री में? बोलो, कौन बनाने वाला है? प्रोडक्शन मैनेजर. सो मैं आता हूं यहां पे सबसे पहले मेरे प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर. किसके ऊपर बाहर जाऊं मैं? प्रोडक्शन मैनेजर. कौन है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर यहां पे? यू आर माय प्रोडक्शन मैनेजर मैम. व्हाट्स योर नेम? साइली. सो साइली इज आर प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को मैं पूछता हूँ कि प्रोडक्शन मैनेजर अपने को है ना 10,000 ई पेन, हम लोग का कॉल पे बात चालू है, मेरे को, मैं हम लोग का कॉल पे बात चालू है, हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन. जैसे ही मेरे को कॉस्ट आएगा उस पर मैं मेरा 20% ऑन कॉस्ट ऐड कर दूंगा, मेरे को सेल्स मिल जाएगा. वो जो भी मेरा सेल्स आएगा, वीनस आने वाला है मेरा कस्टमर, उसको मेरे को बताना है. अरे हाँ या ना? सो अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? कॉस्ट. सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया. प्रोडक्शन मैनेजर है हमारी साइली. साइली को मैंने कॉल किया. साइली को मैंने बोला, प्रोडक्शन मैनेजर अपने को 10,000 ई पेन्स बनाना है. 10,000 ई पेन्स बनाना है. आप प्लीज मुझे बताइए, आप प्रोडक्शन मैनेजर है, आप मुझे बताइए कि क्या आप ये पेन बना पाएंगी? बोले डेफिनेटली सर, हमारा तो काम ही है प्रोडक्शन करना. वी आर द प्रोडक्शन मैनेजर्स, सो वी विल बी एबल टू डू दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 ई पेन्स बनाना है तो आप प्लीज काम चालू कर दीजिए साइली. साइली इमीडिएटली बोलेगी, सर काम चालू करूं तो कैसे करूं? तो मैं बोला, काम कैसे चालू करूं? मतलब ई पेन बनाने के लिए जो भी चाहिए आप उससे काम चालू करो. तो मैं, तो वो मेरे को इमीडिएटली बोलेगी, वही तो सर, मुझे क्या चाहिए वो तो पूछो. बोलूंगा अच्छा, ओहो यस करेक्ट. तो प्लीज साइली आप मुझे बताइए, 10,000 ई पेन्स बनाने के लिए, कहने से ई पेन्स बनाने मतलब अपने को प्लास्टिक और यही सब चाहिए मेजरली, तो वो अपना रॉ मटेरियल हो गया. तो वो मेरे से रॉ मटेरियल मांग रही है. करेक्ट, तो वो मेरे को बोल रही है कि सर रॉ मटेरियल तो दो. तो मैं पूछता हूँ उसको, क्या पूछूंगा? करेक्ट, कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो तो बता. तो 10,000 ई पेन्स बनाना है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल का जरूरत लगेगा साइली आपको? सोचो, तो एक ई पेन बनाने के लिए बेसिकली आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए? अरे कोई भी बोल, सच्ची नहीं बनाना है तेरे को. टेंशन में आ गए. सो वो बोलती है, सर एक ई पेन बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल्स चाहिए. एक ई पेन बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल्स चाहिए. आई एम लाइक ओके नो प्रॉब्लम, एक ई पेन बनाने के लिए आपको 10 रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा. सो फिर मैं उसको बोलता हूँ, सो इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू से आपको 1,00,000 रॉ मटेरियल चाहिए. बराबर है ना? सो यहाँ पे अगर एक ई पेन बनाने के लिए इतना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर है उनको पता होता है कि किस
को कौन से प्रोडक्ट बनाने को कितना ई पेन का खपत लगेगा, अरे कितना रॉ मटेरियल का खपत लगेगा, हाँ हाँ या ना, हाउ मच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन पेन। तो अब अपने को कितना पेन बनाना है भाई, अरे अपने को कितना पेन बनाना है भाई, 10,000 ई पेन बनाना है, तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा भाई, 1 लाख ना, सॉरी 1 लाख रॉ मटेरियल की मुझे जरूरत लगती है। एवरीबॉडी यस और नो? अब देखो ये है ना प्रोडक्शन मैनेजर है, कौन है वो, प्रोडक्शन मैनेजर, तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। सो इन हाउस जो भी मेरा प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो अंदर फैक्ट्री में काम करेगी। अब ये रॉ मटेरियल लाएगा कौन, करेक्ट? सो अब ये रॉ मटेरियल लाएगा कौन, और सी जब जब सैली ने मेरे को बोला ना ई पेन बनाने को 10 रॉ मटेरियल, तो मैंने उसको बोल दिया था तू सोच समझ के बोलना भाई, तू पहले पूरा एनालिसिस कर ले और फिर मेरे को जवाब दे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर ही आने वाला है, करेक्ट? सो उसने बोला कि सर डोंट वरी, एक पेन बनाने को 10 रॉ मटेरियल लगेगा, नीड नॉट वरी। ओके आई सेड नो प्रॉब्लम, कैन आई से मैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे जाता हूं। अब ये 1 लाख रॉ मटेरियल चाहिए साइली को, ये 1 लाख रॉ मटेरियल लाएगा कौन, प्रोडक्शन मैनेजर खुद भागेगा क्या बाहर लाने के लिए, तो किसको बोलेगा, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी विल हैव द परचेज मैनेजर फॉर। तुम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे ना किसका क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो रॉ मटेरियल कंज्यूम करने का बोल रहा है उतने में वो ये आउटपुट बना दे, बराबर कि नहीं? ए इधर मैंने एक वर्ड यूज किया आउटपुट, और उसी के साथ और एक वर्ड होता है, कैन आई से ये मेरा इनपुट है, अरे हाँ या ना, और ये मेरा, समझते हो ना इतना बेसिक, कैन आई से ये मेरा और ये मेरा, समझ में आया सब लोग को, ठीक है। सो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि सर मुझे इतना इनपुट चाहिए ये आउटपुट बनाने के लिए, 1 लाख रॉ मटेरियल के इनपुट चाहिए, 10,000 ई पेन का आउटपुट बनाने के लिए। एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर से बात कहां पे जाती है, बोलो कहां पे जाती है, परचेज मैनेजर के पास, क्योंकि इसको खरीदने वाला कौन है, इसको खरीदने वाला कौन है, परचेज मैनेजर इसको जाके खरीदने वाला है ये रॉ मटेरियल को, करेक्ट? कौन है मेरा परचेज मैनेजर यहाँ पे, कौन है मेरा परचेज मैनेजर, चल यू बिकम द परचेज मैनेजर, सॉरी तरंग। सो तरंग इज माय परचेज मैनेजर। सो परचेज मैनेजर को इमीडिएटली मैंने इधर बात कर लिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि सर मेरे को आप 1 लाख रॉ मटेरियल मंगवा के दे दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब लाने तो ये नहीं जाएगा, तो इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट कॉल किसको जाएगा, बोलो परचेज मैनेजर को, ट्रिंग ट्रिंग तरंग, ट्रिंग ट्रिंग मैचिंग। सो तरंग को मेरा कॉल गया, एंड तरंग को मैंने कॉल करके पूछा, मिस्टर तरंग हम लोग को टोटल, करेक्ट, हम लोग को टोटल 1 लाख रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर कि नहीं, ठीक है सर 1 लाख रॉ मटेरियल चाहिए आपको, मिल जाएगा। तो इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसको कितने में मिलेगा भाई, तू परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर के पास बतेरे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, तो वो सप्लायर से, अलग अलग सप्लायर से, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है ना, अलग अलग सप्लायर से वो कोटेशन मंगाएगा, बराबर है, और वो कोटेशन मंगवा के उसके पास आइडिया रहेगा कि भाई कितना कितना कॉस्ट लगने वाला है हर एक रॉ मटेरियल का। एवरीबॉडी यस और नो? सो अब तरंग मेरे को, मैं तरंग को बोलता हूँ भाई तू तेरे हिसाब से, तेरा जो भी कोटेशन है सब सप्लायर के साथ, तू तो रोज कनेक्ट में है ये रॉ मटेरियल के लिए, कौन सा सप्लायर बेस्ट रहेगा और क्या रेट बेस्ट रहेगा वो तू हम लोग को बता। तो तरंग बोलता है ठीक है सर मेरे पास सब आइडिया है, एनालिसिस कर लिया है मैंने करंट मार्केट का, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई जो भी तेरा रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट लगने वाला है वो सब इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर ले, कुछ एस्केलेशन होने वाला है वो कॉस्ट में, वो सब सोच समझ के बोल, क्योंकि एंड ऑफ द डे, करेक्ट, एंड ऑफ द डे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर आने वाला है बॉस, तो तू वो ध्यान में रखकर उस हिसाब से मेरे को बताना। तरंग बोलता है नो प्रॉब्लम सर, मैंने हर एक चीज एनालाइज कर ली है, एंड मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे ये एक रॉ मटेरियल का 5 रुपीज लगता है। सो ₹5 पर रॉ मटेरियल इज द कॉस्ट दैट आई एम गोइंग टू इंकर। यस एवरीवन, समझ में आ गया तुम लोगों को? सो एक रॉ मटेरियल का 5 लग रहा है, तो अपने को कितने रॉ मटेरियल चाहिए, क्या नहीं से अपने को 1 लाख रॉ मटेरियल चाहिए। सो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 1 लाख रॉ मटेरियल चाहिए हम लोग को, इक्वल टू कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट,
एवरीबॉडी, कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट? 5 लाख, करेक्ट। सो कैन आई से ये ई पेन बनाने के लिए, क्या ई पेन बनाने के लिए मेरे पास एक कॉस्ट पूरी तरह रेडी है? कौन सा? कैन आई से मेरे पास मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट रेडी है? कितना? रुपीज फाइव लैक्स। ओके सर, ऑल सेट, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ₹5 लाख। ठीक है, सो मेरे पास एक नंबर आ गया भाई ई पेन बनाने के लिए। एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है, अब मैं किसके पास जाऊंगा? लेबर के पास। रॉ मटेरियल आ गया है प्रोडक्शन, तो यहां पे अपन लोग सबसे पहले इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल लेकर आ, फिर ही प्रोडक्शन चालू होगा। रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करना चालू कर दिया है अपना। अब उसको एक लेबरर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो अब मैं किसके पास जाऊंगा? लेबर मैनेजर के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा मैं? मेरे, अरे बोलो, करेक्ट, मैं मेरे लेबर मैनेजर के पास जाऊंगा। तो चलो लेबर मैनेजर का यहां पे अपन वर्किंग बनाएंगे। मैं इमीडिएटली लेबर मैनेजर को कॉल करूंगा और लेबर मैनेजर को बोलूंगा कि देखो ई पेन बनाना है, कोई छोटा मोटा टाइम पास वाला पेन नहीं है, कौन सा पेन बनाना है? ई पेन। तो ई पेन बनाने के लिए कहना इसे स्किल्ड लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी। हर कोई बना पाएगा क्या? किसकी जरूरत पड़ेगी? स्किल लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मैं मेरे लेबर मैनेजर को कॉल करके पूछता हूं कि भाई स्किल लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी, जरा बताना तो कितने आवर्स लगेंगे स्किल लेबरर के लिए? अरे हाँ या ना? तो कौन है मेरा लेबर मैनेजर यहां पे? कौन है मेरा लेबर मैनेजर यहां पे? बोलो कौन बनना चाहेगा लेबर मैनेजर? चल वेरी गुड, फोरम। सो फोरम इज आर लेबर मैनेजर। यस फोरम, कितने आवर्स लगेंगे आपको स्किल लेबरर्स के एक यूनिट बनाने के लिए? सो एक ई पेन बनाने के लिए फोरम बोलती है सर मेरे को 4 स्किल्ड आवर्स चाहिए। स्किल्ड आवर्स मतलब स्किल लेबरर के आवर्स को बोलते हैं स्किल्ड आवर्स। सो एक पेन बनाने के लिए मुझे, अरे बोलो, 4 आवर्स चाहिए। एवरीबॉडी, एक पेन बनाने के लिए मुझे 4 स्किल्ड आवर्स चाहिए। नो प्रॉब्लम। सो देख फोरम, हम लोगों यहां पे 10,000 ई पेन बनाने का है। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे 40,000 स्किल्ड आवर्स दे दो, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे 40,000 स्किल्ड आवर्स लेबरर्स दे दो, आपका काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, बराबर है। अब वो स्किल्ड आवर्स को लाने का जिम्मेदारी किसका होता है? एचआर मैनेजर का। तुम लोग भी कंपनी में काम करते हो ना, तुम लोग ने सुना होगा ना एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सुना होगा कि नहीं? कुछ काम नहीं करते, आराम की जिंदगी। हाँ, सो एचआर मैनेजर के पास अभी अपनी बात जाएगी, बराबर है। एचआर मैनेजर से अपने को क्या पता चलेगा? कितने भाई, ये जो स्किल आवर्स है 40,000 स्किल आवर्स, वो मिल तो जाएंगे, बट उनको कितना पे करना पड़ेगा? सी देखो, आज तुम लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो, कल उठ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे सब लोग। जब तुम चार्टर्ड बन के कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में या कोई भी कंपनी में काम करोगे ना, तो एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो पे पैकेज है ना, वो कौन डिसाइड करता है? एचआर मैनेजर। ठीक है, सो अभी से फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हेड हूँ मैं, तो मैं मेरे एचआर मैनेजर को बोलूंगा दैट आई रिक्वायर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 1 6 इयर्स एक्सपीरियंस, 1 8 इयर्स एक्सपीरियंस। तो मैंने मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो मैं किसको बोलूंगा? एचआर मैनेजर को। फिर उसको क्या पैकेज पे लाना है, कितने में लाना है, कैसे लाना है, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? एचआर मैनेजर का। समझ रहे हो? यहाँ पे फोरम जो हमारी लेबर मैनेजर है, उसने अपना रिक्वायरमेंट बता दिया है, क्या 40,000 आर स्किल लेबर चाहिए, वो लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? समझ रहे हो ना एचआर वाले का काम? सो अब वो लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर मैनेजर का। तो इमीडिएटली अब मेरा नेक्स्ट कॉल गाइस किसको जाएगा? मेरा नेक्स्ट कॉल किसको जाएगा? एचआर मैनेजर को। क्या बोलूंगा मैं ये एचआर मैनेजर को कि हमको 40,000 स्किल लेबरर चाहिए, बिकॉज फोरम अदरवाइज ये पेन नहीं बना पाएगी। सो अपन उसको बोलते हैं भाई 40,000 स्किल्ड आवर्स चाहिए, जरा बताइए क्या रेट पे मिलेगा? सो कौन बनेगा मेरा एचआर मैनेजर? तुम लोगों को शायद सुनाई नहीं देता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन बनेगा मेरा एचआर मैनेजर? एवरीवन बोलो, कोई भी कौन बनना चाहेगा मेरा एचआर मैनेजर? अरे वही तो जवाब दो,
कौन बनना चाहेगा मेरा एचआर मैनेजर? सर हम लोग खाली फाइनेंस में, कौन? प्रतीक, ओके, सो प्रतीक विल बिकम माय एचआर मैनेजर। हाँ भाई, एचआर मैनेजर आप हमको बताएंगे कि पर आर आप क्या पे करते हो स्किल्ड लेबरर को। तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा भाई क्या रेट पे मिल रहा है स्किल्ड लेबरर। अरे हाँ ना प्रतीक, देख सोच समझ के मार्केट सिनारियो देख देखा के तू बोलना भाई। तो एचआर मैनेजर है वो तो हर एक जगह पे, वो भी जैसे अपनों कैसे सप्लायर के पास से कोटेशन मंगाते हैं वैसे ये अभी अलग अलग जगहों पे, shine.com, naukri.com सब जगह पे ये अपना एक ये JD डालेगा और वहां से आएंगे लोग एंड देन फिर बाद में ये रिक्रूट करेगा उसको। सो आप प्लीज बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप एचआर मैनेजर है, आप इसमें काफी टाइम से है, कि एक घंटे का वो स्किल्ड मैनेजर कितना, स्किल लेबरर कितना लेने वाला है? ₹25, बड़ा ही सस्ता है हमारा स्किल्ड लेबरर है ये, कोई बात नहीं। सो मतलब बड़े हमारा एचआर मैनेजर एकदम किफायती है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। सो स्किल्ड लेबर पर आवर इज गोइंग टू चार्ज हाउ मच? एवरीबॉडी हाउ मच? कैन आई से ₹25? सो ₹25 इज व्हाट दिस स्किल्ड मैनेजर इज गोइंग टू चार्ज। यस एवरीवन, ठीक है। सो अपने को कितने लेबर आवर चाहिए थे? सो कैन आई से इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, सो 40,000 आवर्स इनटू 25, एवरीबॉडी क्या बोला मैं, 40,000 आवर्स इनटू 25 पर आवर कितना हो जाता है ये बोलो? 10 लाख ना, अरे बोलो ना एवरीबॉडी, यस और नो? कैन आई से मुझे मेरा लेबर कॉस्ट भी मिल गया ना यार? कैन आई से मेरे को मेरा लेबर कॉस्ट भी मिल गया है? कितना है मेरा लेबर कॉस्ट? रुपीज 10 लाख, एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है, अज्यूमिंग के और कोई कॉस्ट नहीं है, अज्यूमिंग फिलहाल फर्स्ट एग्जांपल है ना, बेस एग्जांपल है, तो अपन लोग हल्लू हल्लू बढ़ते जाएंगे। तो अभी फिलहाल अपने एग्जांपल यहां पे कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे को कहना इसे मेरा टोटल कॉस्ट मिल गया है बोलो ना, अज्यूमिंग और कोई कॉस्ट नहीं है, कहना इसे मुझे मेरा टोटल कॉस्ट मिल गया है। कितना है मेरा टोटल कॉस्ट? रुपीज कितना है मेरा टोटल कॉस्ट एवरीबॉडी? 15 लाख इज माय टोटल कॉस्ट एवरीबॉडी, यस और नो? अब इसके ऊपर मेरा मार्जिन तो सेट है ना, कितना? कैन आई से 20% ऑन कॉस्ट? एड प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन टोटल कॉस्ट, इसका 20% कितना होता है बोलो? 3 लाख। सो मुझे ये क्या मिल जाएगा? मुझे ये क्या मिल जाएगा? सेल्स। कितना हो जाएगा सेल्स एवरीबॉडी बोलो? कैन आई से 18 लाख का मेरा सेल्स हो जाएगा? तो ये तो टोटल सब यूनिट्स का मिला के हुआ ना, तो मैं कितने यूनिट्स टोटल सेल करने वाला हूं? सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000 यूनिट्स। कैन आई से मुझे एक ई पेन का टोटल सेलिंग प्राइस मिल गया है कितना? 180, yes or no everybody? So, तुम लोग सही numbers लिया है सब, and finally मैं ये amount पे पहुंच गया हूं। क्या? 180. So, कुछ देर बाद Venus आ जाता है यहाँ पे, my customer, and I will tell my customer, Mr. Venus, आपको e-pen चाहिए, आपको मिल जाएगा। It will take us around 1 month, total production और सब ready करने के लिए, आपके office में वो e-pen पहुंचा देंगे। Sir, total cost होगा 180 per e-pen. तो टोटल आपको 10,000 चाहिए, तो सर 18 लाख इज द टोटल सेल वैल्यू, आर यू ओके विद दैट? अरे सर धूम में चलेगा, ₹180 में सीए बना दोगे तो और क्या चाहिए इसको तो मैं 180 में लेके जा रहा हूँ, इसको तो मैं बेचूंगा 1,80,000 में तो भी बिकेगा ये। तो मिस्टर वीनस इज ओके विद द टोटल अमाउंट एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रेड। मैंने मिस्टर वीनस को बोला सर 50% अभी दे दीजिए, बराबर है, एंड 50% जब डिस्पैच आपके पास आपके ऑफिस में गुड्स पहुंच जाएंगे तब। एवरीबॉडी यस और नो? सो यहां पे 18 लाख का टोटल सेल वैल्यू आता है। मिस्टर वीनस मेरे को अभी कितना पे करेंगे? 9 लाख इज व्हाट ही विल पे मी, एंड 50% जो है वो 9 लाख का पे करेंगे आफ्टर डिस्पैच, करेक्ट?
Mr. Venus is absolutely okay with that. My customer gives me a check of rupees 9 lakh. De, Amitabh Bachchan jaisa apan dikha de. Aisa. Arre dekhna udhar hai bhi apne paas camera. Kitna dekhe gaya wo apne ko? 9 lakh dekhe gaya. Ek mahine baad portal production ho gaya. Laborer ne apna kaam kar liya. Production managers ne apna kaam kar liya. Apan log ne usko pura ka pura maal pahuncha diya. Correct? Remaining 9 lakh is what Venus pays me. 18 lakh credited in my account. मैं बोला कि वाह, ये e-pen का जो अपना first project था, 10,000 e-pens done and dusted, पूरा का पूरा scenario resolved. Everybody, yes or no? अब मैं बोलूँगा कि ठीक है भाई, ये अपना काम तो सब बराबर हो गया, पर ये पूरे project के लिए मैंने कुछ पैसा कमाया कि नहीं कमाया, वो तो मेरे को देखना पड़ेगा कि नहीं? तो वो मैं कैसे देखूंगा? Can I say मेरे analysis of cost के basis पे? Everybody yes or no? This is where standard costing starts. This is where standard costing starts. The analysis of all the things that we had thought of. समझ रहे हो? तो अब वो responsibility accounting आएगा और अब वो detailed analysis आएगा हर एक cost का जो अपन लोग ने यहाँ पे compute किया है, workout किया है. अभी ready to understand that? और वो responsibility चार लोगों में बटा हुआ है. कौन चार लोग? पहला कौन? जो responsible है consumption of raw material के लिए. समझो बारीकी से, हर एक आदमी किसके लिए responsible है, समझ रहे हो ना? तो ही तुम असाइन कर पाओगे ना उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तभी डिटेल में समझ पाओगे कौन सा वराइंस कैसे बैठने वाला है. एवरीबॉडी यस और नो? सबसे पहले मैं जाऊंगा किसके पास? जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंजम्पशन के लिए. फिर मैं जाऊंगा जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? परचेज ऑफ रॉ मटीरियल. एवरीबॉडी यस और नो? फिर मैं जाऊंगा लेबर मैनेजर के पास, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? Acquiring or rather labor hours, कैसे काम करवाना है वो laborer को, and HR manager के पास for recruitment of the laborers. अरे हाँ या ना? Can I say सब responsible managers कौन है वो अपने को पता चल गया है, उनका responsibility क्या है वो पता चल गया है, उन्होंने क्या क्या cost दिया था वो पता चल गया है. अब can I say analysis का time आ गया है, बराबर है कि नहीं? देखो कोई भी चीज का एनालिसिस करने के पहले उसके रिलेटेड जो भी चीज है वो अपने पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ना, तो ही आप एनालाइज कर पाओगे. वर्ड एनालिसिस समझते हो ना? एनालिसिस मींस यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थिंग्स दैट यू नीड टू एनालाइज, तभी तो एनालाइज कर पाओगे. एवरीबॉडी यस और नो? सो यहाँ पे ये कॉस्ट क्या है वो पता चल गया है, कॉस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पता चल गया है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता चल गया है. अब ये सब लोगों का एनालिसिस करने का टाइम आ गया है. एवरीबॉडी आर वी रेडी? यस और नो? सो क्या ये नंबर सब आप लोग को समझ में आ गए हैं? Yes, so can I say अब इसका एक analysis अपन start कर सकते हैं, ठीक है? I will tell you, take 2 minutes, ये सब numbers लिख लो, I think आपके दिमाग में set हो गया रहेगा, but फिर भी ये numbers कहीं ना कहीं पे सब लोग एक जगह पे लिख लो, so that now when we are going to analyze and derive the formulas relating to standard costing, आप लोगों के लिए काफी ease रहेगा for the overall understanding. Please, all yours. So 10,000 e-pen का output बनाना है, जिसके लिए input का जरूरत लगेगा. इनपुट है मेरा यहाँ पे रॉ मटेरियल. ये रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मुझे परचेज मैनेजर की जरूरत पड़ेगी. एंड ऑफ द डे बनाने के लिए मुझे लेबरर्स भी चाहिए और एचआर मैनेजर चाहिए वो लेबरर्स को रिक्रूट करने के लिए. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है एक ई पेन बनाने को 10 रॉ मटेरियल्स, 10 ई पेन बनाने को 1 लाख रॉ मटेरियल्स. परचेज मैनेजर बोलता है सर ये एक रॉ मटेरियल लाने के लिए 5 रुपया लगेगा, सो टोटल 1 लाख रॉ मटेरियल लाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए जाएंगे. लेबर मैनेजर बोलता है एक ई पेन का 4 घंटा लगेगा, टोटल 10,000 ई पेन बनाने के लिए 40,000 आवर्स जाएंगे. एंड देन एचआर मैनेजर बोलता है कि 40,000 स्किल्ड आवर्स अगर आपको चाहिए ना सर, तो एक आवर का स्किल्ड लेबरर 25 पर आवर चार्ज करता है, सो टोटल 40,000 स्किल्ड आवर्स के लिए 10 लाख चार्ज होगा. बेस्ड ऑन दैट मुझे पता चला ये मेरा टोटल कॉस्ट शीट है 15 लाख रुपए. ये कॉस्ट शीट पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन टोटल कॉस्ट 3 लाख, गिविंग मी अ टोटल सेल्स ऑफ रुपीस 18 लाख.
नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके मुझे पता चल गया एक ई पेन रुपीज 180 में बिकता है। मैंने पूरा काम करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं एनालाइज करने वाला हूं, अब मैं एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूं ऑफ ऑल हाउ द होल ई पेन बिजनेस हैज रिजल्टेड मी इनटू अ लॉस प्रॉफिट और एज द केस मे बी। आर वी रेडी फॉर द एनालिसिस एवरीबॉडी? चलो सो जस्ट गेट दिस इन योर हेड एंड देन नाउ वी विल मूव ऑन। हाँ भाई, सो ई पेन प्रोडक्शन हो चुका है, उसका सेल हो चुका है, द कस्टमर इज एट हिज प्लेस, ही इज हैप्पी। अब अपने को अपना पोस्टमार्टम एनालिसिस करने का टाइम आ गया है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि भाई देखो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड था, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं सेल 18 लाख का करूंगा। मैं सेल कितने का करूंगा? 18 लाख का। उसके सामने मेरे को कितना कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा? 15 लाख का कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा बोलो? नेट प्रॉफिट 3 लाख का। मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो एनालिसिस में सबसे पहला मेरा एनालिसिस है सेल्स का। क्या मैंने सोचा था 18 लाख? क्या 18 लाख मुझे मिल गया? तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं, जैसा सोचा था वैसा हो गया, बराबर है। अब बचता क्या है? कहनाई से कॉस्ट बचता है। अब क्या बच रहा है? कॉस्ट। सो अपना अभी एनालिसिस चल रहा है बेसिकली कॉस्ट्स का। किसका? कॉस्ट्स का एनालिसिस चल रहा है। उसमें सबसे पहले कैन आई से मेरे को मटेरियल मंगवाना है, बराबर है, मटेरियल मंगवाना है। तो कितना मटेरियल मंगवाना है और कितने में मटेरियल मंगवाना है, ये दो मेरे मेन एस्पेक्ट्स है। मेरा सबसे पहला एनालिसिस चल रहा है किसका? मटेरियल का। तो मटेरियल में मुझे सबसे दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए। क्या? कितना मंगवाना है और कितने में मंगवाना है। हाउ मच टू बाय and what is the amount that you are going to pay for that material? Are we clear everybody? So yahan pe main bolta hu cost ka main analysis start kar raha hu, jisme mera sabse pehla cost kaun sa hai? Maine aapko pucha mera sabse pehla cost kaun sa hai? Can I say relating to material? Ab material mein mere ko do question ke answers chahiye the. Question number 1, kya bolo? How much material to buy, kitna buy karna hai. So how much material to buy, यार इधर बोलू तो कितना बाय करना है? हाँ कि ना? कौन डिसाइड करेगा ये? कौन डिसाइड करेगा ये? सो मैं जाता हूं मेरे प्रोडक्शन मैनेजर के पास। एवरीबॉडी यस और नो? एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? दूसरा क्वेश्चन क्या था? रेट एट विच टू बी बॉट, बराबर है कि नहीं? कितने में वो मंगवाना है? एवरीबॉडी यस और नो? वो कौन डिसाइड करेगा? तो मैं दूसरा किसके पास जाऊंगा? परचेज मैनेजर के पास, हक कि ना? प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितना रॉ मटेरियल का जरूरत लगेगा? 1 लाख ना? तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था कि 1 लाख रॉ मटेरियल की जरूरत लगेगी। परचेज मैनेजर ने क्या बोला, कितने में लाएंगे अपन इसको? तो टोटल कितने का खर्चा होने वाला था एवरीबॉडी? टोटल कितने का खर्चा होने वाला था? 5 लाख का। एवरीबॉडी यस और नो? सब लोग को समझ में आ गया इधर तक? यस और नो? ठीक है, अब जाते हैं हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के पास। कौन था हमारा प्रोडक्शन मैनेजर? मिस साइली। तो साइली को हम जाके पूछेंगे, मिस साइली आपने कहा था कि टोटल 1 लाख रॉ मटेरियल आप लेकर आने वाले हैं और वो 1 लाख रॉ मटेरियल में आप ये सब प्रोडक्ट्स बना देंगे। अब हम आपको पूछना चाहते हैं, क्या आपने एक्चुअल में भी 1 लाख रॉ मटेरियल ही लाए हैं? ज्यादा लाए हैं या कम लाए हैं? कितना लाए हैं आप रॉ मटेरियल? तो साइली मेरे को बोल रही है कि सर मैं ये रॉ मटेरियल टोटल, मेरे को लग रहा था कि 1 लाख रॉ मटेरियल्स मेरे को जरूरत लगने वाला है, बट मैंने एक्चुअली 1,10,000 रॉ मटेरियल लाया है। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उसने क्या सोचा था? ए मेरा एग्जांपल है। हाँ, कितना रॉ मटेरियल बोला था उसने? 1 लाख का रॉ मटेरियल में काम हो जाएगा, बट लाई कितना है वो? अच्छा, यही 10,000 ई पेन्स बनाने के लिए तुझे 1 लाख रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई, बराबर है कि नहीं? तो कहना ही से उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? 10,000 एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आ गया। एवरीबॉडी यस और नो? हाँ, कोई बात नहीं। अब मैं जाऊंगा मेरे परचेज मैनेजर के पास। कौन था मेरा परचेज मैनेजर?
मिस्टर तरंग, तरंग कितना परचेज, कितने में परचेज किया है आपने? यस, तरंग बोलता है कि सर मैं 6 रुपए में परचेज किया है। तरंग मेरे को बोलता है कि मैं 6 रुपए में ये सेम चीज परचेज किया है। ओ हो, ये तो स्याप्पा हो गया। मैंने क्या सोचा था कितने में आ जाएगा सब, बट यहां पे टोटल में अगर देखूं तो कितना हुआ, 6,60,000। काश काश 6,60,000 में मैं लेकर आ गया हूं ये। कहना इससे कि मैंने जितना सोचा था उससे 1,60,000 रुपीज मेरा ज्यादा हो गया है। एवरीबॉडी यस और नो? अरे यार मेरा तो खून जल जाएगा, एकदम दिमाग का शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? मतलब पूरा इट विल हिट माय प्रॉफिट? नो, तो मैं चुपचाप ऐसे ये देख के लूंगा क्या कि सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, है कि नहीं? सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। किस दो लोगों की वजह से ये कॉस्ट इतना एस्केलेट हो गया है? किन दो लोगों की वजह से ये कॉस्ट एस्केलेट हो गया है? बोलो, क्या बोल रहे हैं? सांबा और कालिया। किन दो लोगों की वजह से ये कॉस्ट एस्केलेट हो गया है? कैन आई से प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर की वजह से। किन की वजह से? प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर की वजह से। तो कैन आई से इनको कटघरे में लाया जाए और पूरा एनालिसिस किया जाए, भाई हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हो गया? एवरीबॉडी यस और नो? तो जब मैं तुमको बोल रहा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दिस इज व्हाट आई मेंट, दिस इज व्हाट आई मेंट। एंड जब इनको मैंने इनसे रेट लिया था या इनको बोला था कितना रॉ मटेरियल, तो मैंने इनको बोला था ना बाहर का पूरा एनालिसिस करके मेरे को सब बोलना, बराबर है कि? तो अब आज की तारीख में ये पूरा एनालिसिस करके अब ये लोग आए हैं मेरे पास और बोल रहे हैं कि सर इतना इतना लग रहा है। सो कैन आई से मैंने ओरिजिनली मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना सोच के रखा था? बोलो कितना सोच के रखा था, बट हुआ कितना है? कैन आई से जिसकी वजह से मेरा वेरियंस आया, मतलब वेरियंस मतलब जो आपने सोचा था उससे कुछ और हो गया, तो उसको कहते हैं वेरियंस। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, समझ रहे हो? वेरियंस का मतलब कुछ सोचा था उससे अलग हुआ है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो कैन आई से यहां पे मेरे को वेरियंस आया है क्योंकि मैंने तो सोचा था टोटल 5 लाख, हुआ कितना है 6,60,000। तो कितने का वेरियंस आया मेरे को यहाँ पे, कितने का वेरियंस आया मेरे को यहाँ पे? सो कैन आई से 1,60,000 का मेरे को वेरियंस आया है? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर, समझ में आ गई बात यहां तक, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आ गई मेरे को बात यहां तक, कोई तकलीफ नहीं है। यस, सो कैन आई से मटेरियल लेवल पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले मैंने सोचा था मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, बट ये कितना हुआ है? सो कैन आई से सबसे पहला मैंने जो एनालिसिस किया वो मटेरियल के कॉस्ट का एनालिसिस किया, जिसमें वेरिएंस आया, तो उसको क्या नाम दिया? डिड यू गेट कैसे आता है फॉर्मूलास, कैसे वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वर्ड कहां से आया रहेगा? समझ रहे हो ना तुम? लगते हो मेरे को पता है, तुम शायद आईपीसीसी पास करके आए हो, तुमको बेस सॉरी आईपीसी पास करके आए हो तो तुमको ये सब बेसिक पता होगा, बट फिर भी लेट्स अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम एज मच बेस एज वी कैन। ये मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे फर्स्ट होता है मटीरियल वेरिएंस का, कैसे नाम आया होगा समझ में आया? मटीरियल के टोटल कॉस्ट का वेरिएंस हुआ है, वो अब अपने को एनालाइज करना है, तो इसको क्या कहते हैं? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखना मैं क्या क्या लिखने वाला हूं। तो यहां पे क्या लिखा है अपन लोग ने? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। एवरीबॉडी क्या लिखा है अपन लोग ने? अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या? सिर्फ एक मिनट, इधर ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी इधर, और इधर ये पूरा, इधर मैं पूरा वेरिएंस एनालिसिस करूंगा। समझ में आ गया ना? एनीवेज नॉट योर थिंग टू अंडरस्टैंड, तो अब मैं इसको खाली इधर लिख देता हूँ, तुम लोग को यहाँ पे वो पूरा एनालिसिस करके दूंगा। ओरिजिनली नेट प्रॉफिट सोचा था, तो नेट प्रॉफिट 3 लाख का सोचा था, कैसे आने वाला था ये 3 लाख का नेट प्रॉफिट? 18 लाख का सेल्स एंड 15 लाख का कॉस्ट, सो टोटल कितना नेट प्रॉफिट? 3 लाख का नेट प्रॉफिट। ये 3 लाख का नेट प्रॉफिट के लिए मैंने सेल्स 18 लाख का कर दिया, मेरे पास पैसा आ गया, 15 लाख का कॉस्ट हुआ है कि नहीं उसका मैं इधर एनालिसिस कर रहा हूं। एवरीबॉडी विद मी? चलो लेट्स नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऑलराइट, सो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं? मटीरियल के कॉस्ट का वेरिएंस कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्या कहते हैं उसको?
नाउ कैन आई से ये 5 लाख क्या है मेरा, ये मटेरियल कॉस्ट है जो मैंने सोचा था होने वाला है। अरे हाँ ना, कैन आई से ये 5 लाख क्या है मेरा, मटेरियल कॉस्ट है जो मैंने सोचा था। करेक्ट। तो इसको क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। भाई जो अपन लोग ने स्टैंडर्ड सोचा था, एक बजट सोचा था, उस हिसाब से अपन लोग का ये है। सो ये मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, किस जो चीज का कंपैरिजन हो गया, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड सो यहां पे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का कंपैरिजन हो गया ना भाई ये तो। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी, यस और नो? करेक्ट। सो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है मेरा, बोलो, 5 लाख। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है मेरा, 6,60,000। गुड और बैड, 1,60,000 ज्यादा पे कर दिया सोचा था उससे। अरे हाँ ना। सो अगर वराइंस, मैंने बोला ना वराइंस मतलब कुछ सोचा था उससे अलग होना, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो उसको कहते हैं फेवरेबल, अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उसको कहते हैं एडवर्स, विच इज डिनोटेड बाय ए इन अ ब्रैकेट। फेयर। सो 1,60,000 एडवर्स हुआ है यहाँ पे। अब भाई टोटल कॉस्ट 1,60,000 एडवर्स हुआ है, मतलब ज्यादा खर्चा हो गया है। तो किन दो लोगों की वजह से हुआ है, किन दो लोगों की वजह से हुआ है, किन दो लोगों की वजह से हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर की वजह से ये मेरा एडवर्स वेरिएंस आया। तो कैन आई से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का टाइम आ गया एवरीबॉडी, यस और नो? ठीक है। सो अब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना अपन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके पहले क्या ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट समझ में आया आपको एवरीबॉडी? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट समझ में आया आपको, यस और नो? क्या ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, क्या ये 1 लाख रॉ मटेरियल, क्या ये 1 लाख रॉ मटेरियल क्या है, बोलो, व्हाट इज दिस 1 लाख? कैन आई से इट इज द इनपुट दैट वाज रिक्वायर्ड टू मेक माय आउटपुट? हाँ ना। कैन आई से ये 1,10,000 क्या है, अगेन एक्चुअल इनपुट दैट आई हैव टेकन टू मेक माय एक्चुअल आउटपुट? आर वी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? ये जो 1 लाख रॉ मटेरियल है, कितने यूनिट्स बनाने, कितने आउटपुट बनाने के लिए लगने वाला था, 10,000। एंड ये जो 1,10,000 है वो भी कितने यूनिट्स के लिए, 10,000। सो कभी भी याद रखना आउटपुट कंपेरेबल होना चाहिए, तो ही इनपुट को कंपेयर कर पाएंगे ना। अरे समझे क्या एवरीबॉडी, यस और नो? सो नाउ व्हाट इज दिस 1 लाख रॉ मटेरियल? कैन आई से इट इज अ इनपुट? अरे हाँ या ना। कैन आई से इट इज माय स्टैंडर्ड इनपुट? अरे बोलो, किसके लिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमेशा याद रखना द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग आर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एट योर लेवल। डायरेक्टली मैं भी लिख सकता हूं, क्या होता है ये तुम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एसक्यू, एसक्यू होता है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एसआर, स्टैंडर्ड रेट। अब से मैं इसको एसक्यू नहीं बुलाऊंगा, अब से इसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैं इसको वापस से थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं पहले। इट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ कि ना? समझ रहे तुम लोगों मेरा? अभी देखो, अगर समझो मैं तुम लोगों को एक बात बोलता हूं, चलो इधर देखो, समझो मैं बोलता हूं 10,000 यूनिट्स बनाना था, 10,000 ई पेन बनाना था, तो उसके लिए मैं रॉ मटेरियल मैनेजर के पास गया था। रॉ मटेरियल मैनेजर ने मेरे को क्या बोला, सर 1 लाख रॉ मटेरियल बनेगा। कितना, 1 लाख रॉ मटेरियल बनेगा। एक्चुअली वो फिर बाद में प्रोडक्शन मैनेजर ने है ना 12,000 यूनिट ऑफ ई पेन बना दिया। कितना, 12,000 ई पेन बना दिया। और मैंने यहाँ पे देखा कि 1,10,000 रॉ मटेरियल मंगाया है, इमीडिएटली मैं गया साइली के पास और उसको एकदम गुस्सा हो गया उसके ऊपर। मैं बोलता हूँ तेरे को काम करने को नहीं आता है, काहे के लिए काम करने के लिए आती है, बोला काहे के लिए था इधर 1 लाख रॉ मटेरियल, अगर 1,10,000 रॉ मटेरियल यूज करना था तो क्या मैं उसके ऊपर ऐसे बरस सकता हूँ? ऐसा क्यों सर, 10,000
1000 यूनिट के लिए मैंने 1 लाख रॉ मटेरियल बोला था, आपने बनाया कितना है? तो उस कायदे से 1,20,000 यूज होना चाहिए था ना? अरे हाँ या ना? बट मैंने यूज कितना किया है? तो एक्चुअली मैंने तो कम यूज किया है। तो यहां पे आप क्या 1 लाख और 1,10,000 को कंपेयर कर सकते हो क्या? क्यों? समझ रहे हो? अरे आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ रहे हो? सो ये दोनों कंपेरेबल, ये जो इनपुट है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, वो कंपेरेबल कब बनेगा? तो कह रहे इसे एक्चुअल प्रोडक्शन सेम रहेगा तब। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? आज के बाद ये एसक्यू बोलना छोड़ देना। क्या बोलोगे तुम लोग? समझ रहे हो कि नहीं? सो यहां पे मैंने ओरिजिनली सोचा था 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन बनाऊंगा, जिसके लिए मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला 1 लाख रॉ मटेरियल लगेगा सर, ठीक है। बट यहां पे बनाया कितना एक्चुअली? 12,000। सो कंपेरेबल ये दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या ये और ये कंबस कंपेरेबल है? नहीं। तो कहना ही से ये जो एक्चुअल है, इसके साथ अगर मेरे को स्टैंडर्ड को ही कंपेयर करना है, तो इसको इधर 12,000 कर दू और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्या अब ये दोनों कंपेरेबल है? दिस कैन आई से बिकम्स वॉट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट। तो ये कंपेरेबल बना या ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन वाला है वो कंपेरेबल बना ना? अरे समझे क्या? इधर मैं लिखता ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट, देखने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट यही लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनली ये सोचा था। बट वो कंपेरेबल कब बनता है? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो आज के बाद अपन लोग क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है अपना स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का फर्स्ट जो फेज है, ये क्या है? वो तो ही वो कंपेरेबल बनेगा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट के साथ, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ होगा ना भाई यार, यस और नो? समझ रहे हो ना? सो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट कंपेरेबल तब भी बनेगा जब वो एक्चुअल प्रोडक्शन। सो बेस आउटपुट कंपेरेबल रखना है ताकि इनपुट को कंपेयर कर सके। क्या बात कही सर? बेस आउटपुट को कंपेरेबल रखना है ताकि इनपुट को कंपेयर किया जा सके सर। समझ रहे हो ना बात को? सो मैं मेरे बेस आउटपुट को कंपेरेबल रखूंगा, सो दैट इसके लिए यहां पे लिखता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी अंडरस्टैंडिंग? फिर बाद में क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई बाय, ये फाइल है कैसे आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट किसका? इनपुट का। लेट्स यूज अ जेनरिक टर्म, नो लेट्स यूज अ जेनरिक टर्म, तो इनपुट एक जेनरिक टर्म हुआ। अरे समझे क्या? सो कैन आई से यहां पे ये ₹5 क्या है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट, खाली SR नहीं बोलने का, खाली SR, खाली स्टैंडर्ड रेट नहीं बोलने का। आगे जाके ना जब तुम एकदम एडवांस लेवल के सम्स करोगे ना, तब तुमको ये छोटी छोटी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं ना वो रियलाइज होगी। अदरवाइज SQ इनटू SR मेरे लिए तो इजी है पढ़ाना। बट क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, उसी हिसाब से ध्यान रखना है, आगे जाके आपको रियलाइज होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, नहीं स्टैंडर्ड रेट किसका? ऑफ इनपुट, पूरा बोलना है स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट। सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट के साथ। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? माइनस माइनस, तो यहां पे ये मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हो गया, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट हो गया माइनस क्या? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आया ना, तो माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट मल्टीप्लाई बाय ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ना बोलो तो भी चले, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट किसके लिए होगा? बाय डिफॉल्ट ही ना, बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट बाय डिफॉल्ट मींस के वो उसके लिए होगा। सो ये यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ, बोलो बोलो, टेल ऑफ इनपुट बराबर के नहीं, मल्टीप्लाई बाय बोलो कैन आई से एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट। अरे हाँ या ना? कैन आई से फॉर्मूला खुद से डिराइव हो रहा है या लर्न करना रट्टा मारना पड़ रहा है कि ऑटोमेटिकली आ रहा है? समझ रहे हो ना तुम लोग? सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था और क्या रेट पे लाने वाला है वो इनपुट अपने को कितने में बोला था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितना आया है एंड सामने क्या रेट एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट में वो लाया है।
शाबाश, आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो दिस इज हाउ माय फर्स्ट फॉर्मूला स्टैंड्स. अब तुमको इसके नीचे लिखना है ना, एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू ए आर, तो लिख लो, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं. एस क्यू इंटू एस आर हो गया ये, माइनस ए क्यू इंटू ए आर हो गया. तो मेजरली दिस इज हाउ माई मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला लुक्स लाइक. एवरीबॉडी क्लियर? ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों लिखा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है? आउटपुट कंपेरेबल करना है. वो वाला मेरा एग्जाम्पल, 1 लाख यूनिट्स के लिए, मतलब 10,000 पेन्स के लिए 1 लाख का इनपुट, बट 12,000 पेन्स के लिए 1,20,000 है, तो वो दोनों कंपेरेबल हुए क्या? कंपेरेबल कब होंगे? जब वो स्टैंडर्ड को भी मैं एक्चुअल के साथ ले आऊंगा, फिर वो इनपुट को कंपेयर करूंगा. शाबाश. अरे बोलो, एवरीबॉडी समझ में आ गया सब लोग को? कैन आई से वी आर क्लियर विद दिस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस थोरली विद द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट? अब ये जो वेरिएंस आया है 1,60,000 का, ये जो वेरिएंस अराइज हो रहा है, किसकी वजह से अराइज हो रहा है? किसकी वजह से? दो लोगों की वजह से. कौन कौन? प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर. तो चलो आ जाते हैं अभी एक एक को एनालाइज करवाने के लिए. सो सबसे पहले बुलाएंगे हम कड़गरे में हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को. प्रोडक्शन मैनेजर कड़गरे में आ जाइए प्लीज. सो प्रोडक्शन मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिटर कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन होना है वो डिटरमाइन करने के लिए. सो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए. तो अब अगर वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन? प्रोडक्शन मैनेजर. तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि भाई कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन उसने बोला था, जरा बताना. तो उसने क्या बोला था, कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन करेंगे भाई? बोलो, 1 लाख. बट किया कितना? कैन आई से 10,000 रॉ मटेरियल ज्यादा किया है कंज्यूम? हाँ या ना? Can I say 10,000 raw material ज़्यादा consume किया है? Everybody yes or no? So देखो ये 10,000 raw material ज़्यादा consume किया है. कैसे मालूम पड़ा? देखो ये 1 लाख क्या है? क्या? पूरा? क्या है ये? समझ रहे हो ना? Again ये इधर क्यों लिया है मैंने? क्या लिया है मैंने? Standard quantity of input. पूरा बोलेंगे for? क्यों ऐसा? इधर actual production लिखा. बेस आउटपुट कंपेरेबल करेंगे, इनपुट को कंपेयर करेंगे. एवरीबॉडी यस और नो? माइनस क्या कंपेयर हो रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट. क्या कंपेयर हो रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. अब ये 10,000 रॉ मटेरियल उसने ज्यादा मंगाया है वो तो पता चल गया, इसको मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ या ना? तब पता चलेगा कि भाई इसके ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉ मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा वो करने का. तो 1,60,000 में से इसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब अपने को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स. ये तो खाली यूनिट टर्म्स में है ना, रॉ मटेरियल टर्म्स में है कितना ज्यादा उसने मंगाया. अरे समझे? दूसरा एस्पेक्ट क्या है मेरा? परचेज मैनेजर है ना दूसरा एस्पेक्ट? बोलो हाँ या ना? दूसरा एस्पेक्ट कौन है मेरा? परचेज मैनेजर. बराबर है? ये जो मेरा परचेज मैनेजर है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रॉ मटेरियल रेट के लिए. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रॉ मटेरियल रेट के लिए. भाई कितना बोला था रॉ मटेरियल रेट तू? कितना बोला था? 5. लाया कितने में? 6. कैन आई से 1 रुपया ज्यादा में लेकर आया तू? कैन आई से 1 रुपया ज्यादा में लेकर आया तू? एवरीबॉडी यस और नो? सो ये है तेरा रॉ मटेरियल रेट का जो डिविएशन हुआ है. बराबर है? समझ में आ गया? अब ये भी 1 रुपया पर रॉ मटेरियल ज्यादा लाया है वो. अब कितना? इसको भी मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इधर मैं खाली ये लिख देता हूं, ये 5 क्या है? 5 स्टैंडर्ड, देखो ना इधर से, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट. एंड यहां पे ये क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ. Are we understanding guys? ये क्या है मेरा? बोलो, स्टैंडर्ड रेट ऑफ. एंड ये क्या है मेरा? Are we clear everybody? अरे बोलो. ठीक है, अब रियल एनालिसिस स्टार्ट होगा. प्रोडक्शन मैनेजर का जो वेरिएंस है किसकी वजह से आ रहा है? कहना मतलब कहना इससे वो कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहा है उसका वेरिएंस है वो. एंड हेंस द नेम गिवन हियर इज कॉल्ड एज मटीरियल
कितना यूज किया है, क्या नाम दिया है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, क्या नाम दिया है, मटेरियल, बोलो मटेरियल यूसेज। अबे समझू के नहीं, एवरीबॉडी यस और नो, कैन आई से यहां पे रेट का डिफरेंस है, इसको क्या नाम दिया है, इसको क्या नाम दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस है ना, सो इसको नाम दिया है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समझू के नहीं, इसको क्या कहेंगे, मटेरियल यूसेज, कितना कंज्यूम किया है, इसको क्या कहेंगे, मटेरियल प्राइस, क्या रेट में लेकर आए हैं अपन, एवरीबॉडी यस। अब इनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने का बात आ गया है, बारी आ गया, यस और नो। सो प्रोडक्शन मैनेजर इज डिपेंडेंट, इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटेरियल कंजम्पशन, और इसमें जो वराइंस आ रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, यूसेज वराइंस। तो हमने सोचा था 1 लाख यूनिट लगेगा, लगा कितना है, 1,10,000। सो कैन आई से 10,000 रॉ मटेरियल उसको ज्यादा लग रहा है, करेक्ट। सो अब इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, कैन आई से ये 10,000 रॉ मटेरियल तेरी वजह से ज्यादा आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर 10,000 रॉ मटेरियल तेरी वजह से ज्यादा आ गया, तो कैन आई से ये 10,000 रॉ मटेरियल के ऊपर मेरे को कुछ पैसा लगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मेरे को, कैन आई से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अरे हाँ ना। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा यहां पे कि सर 10,000 रॉ मटेरियल आ गया ज्यादा, मेरी गलती मानता हूं मैं, किसकी गलती है, मेरी गलती है वो मानता हूं मैं, बट क्या वो मैं लाया हूं, क्या मैं लाया हूं, क्या कौन लाया है, परचेस मैनेजर आया, तो एक्चुअल में तो वो कितने में भी लाएगा, तो उसके लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसका। सो कैन आई से यहां पे मेरे को तो ओरिजिनली क्या लग रहा था कि कितने में ये रॉ मटेरियल आने वाला है, 5 रुपए में आने वाला है, मैं बाहर गया हूं या मैं इनसाइड द फैक्ट्री काम कर रहा हूं, मैं तो इनसाइड द फैक्ट्री काम कर रहा हूं, तो कहने से मेरे को तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए, जितना मेरे को स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेड था उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दो मेरे को, यस और नो। सो ये हो जाएगा मेरा 50,000, फेवरेबल और एडवर्स, एडवर्स ना, क्यों ऐसा, ज्यादा कंज्यूम किया है, एवरीबॉडी यस और नो। अब यहां पे आ जाते हैं परचेस मैनेजर के ऊपर, परचेज मैनेजर को भी अपन बोलेंगे देख तेरी वजह से ज्यादा रुपए का खर्चा हो गया, 1 रुपया ज्यादा खर्चा किया ना तूने, तो तेरी वजह से उतना ज्यादा हो गया, तो परचेज मैनेजर भी तो यही चीज बोल सकता है कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लू उसका, भाई मेरे को तो क्या बोला था, 1 लाख रॉ मटेरियल लाना है ना, तुमने मेरे को क्या बोला था, 1 लाख रॉ मटेरियल लाना है ना, अब तुम बोलोगे कि ये 1,10,000 से मल्टीप्लाई हो तो गलत है, क्यों, क्योंकि मैं तो वो 1 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि भाई हाँ 1 लाख के लिए मैंने 5 बोला था, तो वो 1 लाख का अभी मैं 6 रुपए में अगर लेकर आया हूं तो मेरे को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो अपन उसको काउंटर आर्ग्यू देंगे, बोलेंगे देख कितना रॉ मटेरियल तू लाया है उसका वो नहीं है, तू एक्चुअल में बाहर गया है एंड वहां से ये रॉ मटेरियल तू लेकर आया है, सो इन सच सिनारियो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स दैट यू हैव गॉट, हर एक रॉ मटेरियल। सो यहाँ पे 1,10,000 रॉ मटेरियल तू लेकर आया, जितने भी तू रॉ मटेरियल लेकर आया ना वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा ही है, सामने वो काउंटर आर्ग्यू कर सकता है, क्या काउंटर आर्ग्यू करेगा कि तो तुमने इसको क्यों मेरे खाली स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया, इसको भी एक्चुअल रेट से करो ना, ये भी तो इसने भी तो ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, सो नाउ द फंडामेंटल टू बी वर्कड आउट हियर इज सी दिस प्रोडक्शन मैनेजर रिमेन्स इन द फैक्ट्री एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड थिंग्स गोइंग इन साइड द फैक्ट्री, वेर एज ये रॉ मटेरियल मैनेजर आउटसाइड जा रहा है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज वेर ये 1,10,000 जो एक्चुअल मेरा कंजम्पशन हुआ है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसके ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आएगा इसी के अगेंस्ट में कि तेरे को तो 1 लाख का 5 बोला था, तू तो 1,10,000 तो और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला है तो कम में लाना चाहिए था ना, अभी अंडरस्टैंडिंग, सो इनफैक्ट तेरा तो प्राइस और कम होना चाहिए था, एंड दैट इज वेर योर बिकॉज दिस रॉ मटेरियल मैनेजर परचेज मैनेजर गोज आउटसाइड द फैक्ट्री टू गेट द थिंग्स, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस, एंड इसके लिए यहां पे आता है एक्चुअल, ये देखो यहां पे आता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्या आता है
actual quantity of input, whereas he is inside the factory and therefore will be responsible for the standard rate of input. Samjhe? So isko apan bolenge SQ minus AQ into SR, जो तुम्हारा सिंपल वाला फॉर्मूला है, डिटेल्ड ये अपन लोग को ये लिखना है, बट खाली ऐसे ही बता रहा हूं ये. एंड यहां पे मेन फॉर्मूला इज दिस, बट इट विल बी एस आर माइनस ए आर इंटू ए क्यू एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? दिस इज हाउ योर होल मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस लुक्स लाइक. This is how your whole material cost variance looks like. क्या कि भाई मेरे को originally कितना standard material cost लगना चाहिए था? बोलो 5 lakh. लगा कितना है? 6,60,000. So can I say 1,60,000 ज़्यादा लगा है? Everybody yes or no? What is this standard material cost? कितना quantity of input मैं लाया? क्या स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट पे कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट मैंने एक्चुअली कंज्यूम किया, क्या रेट ऑफ इनपुट पे. आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट गिव्स मी माय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट. यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट गिव्स मी माय एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट. समझे ना तुम लोग? यहां पे मुझे पता चल गया 1,60,000 एडवर्स गॉट कंपेयर्ड विद टू थिंग्स. कौन कौन? प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है? मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मेरा जो वेरिएंस आएगा उसको क्या बोलोगे? मटेरियल यूजेज वेरिएंस. मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना सोचा था, कितना कंज्यूम किया? 1,10,000. सो कैन आई से 10,000 रॉ मटेरियल जो ज्यादा लाए? बिकॉज यू आर इनसाइड द फैक्ट्री, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड्स गोइंग इन द फैक्ट्री विच इज 550,000 एडवर्स. वेर एज यही अपन लोग आ जाते हैं परचेज मैनेजर के पास, जो रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या नाम दिया है? मटीरियल प्राइस वेरिएंस. तूने सोचा था 5 रुपए में लाएगा, तू लाया कितने में? 6 में. एंड बाहर जाके लाया, यू आर फॉर द एक्चुअलिटीज ऑफ द बिजनेस. सो 1,10,000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपन बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर तेरी वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है, परचेज मैनेजर तेरी वजह से मुझे 1,10,000 का नुकसान हुआ है. ये 1,10,000 एडवर्स, ये दोनों के जो सैलरी है ना उसमें से इतना इतना पैसा कट कर दिया जाएगा. तब नेक्स्ट टाइम देखो ऑटोमेटिकली कैसे बराबर काम करते हैं. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बट दिस इज हाउ द अप्रेजल सिस्टम वर्क्स. तुमने क्या काम किया और उसके सामने तुम क्या अच्छा और बुरा कर पाए बिजनेस पर्सपेक्टिव से विल डिटरमाइन हाउ वेल योर अप्रेजल इज टू बी डन. आर वी क्लियर विद ऑल ऑफ दिस? 2 मिनट एकदम टेक अ डीप ब्रेथ, समझ लो, लिख भी लो, फिर मैं इसको वापस से री गो करता हूं. सो समझ में आया तुम लोगों को? सबसे पहला अध्याय, एवरीबॉडी क्लियर? सो सबसे पहले अपन लोग कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं. कौन से कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं? मैंने तुमको पूछा कौन से कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हैं? कैन आई से मटेरियल के कॉस्ट को एनालाइज करके उसमें जो वेरिएंस आ रहा है उसको अपन लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसके जो वेरिएंस आ रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं, बराबर है? दिस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस. क्या? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, बराबर है? बट ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट टोटलिटी बेसिस पे तो सर हम समझ गए, इंडिविजुअल बेसिस पे जरा आप समझाइए. सो कैन आई से स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज नथिंग बट दिस 1 lakh रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन मैनेजर ने, ये देखो तुम लोग फैक्ट्री में घुस गए ना, अंदर आए फैक्ट्री के अंदर, तो अभी अपन लोग फैक्ट्री के अंदर आए तो सबसे पहले किसको जाके मिलेंगे? सबसे पहले किसको जाके मिलेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर को, फिर बाद में परचेज मैनेजर को, फिर बाद में लेबर मैनेजर, किधर है भाई लेबर मैनेजर को, फिर एचआर मैनेजर को. समझ रहे हो ना तुम लोग? सो दैट इज हाउ योर सिस्टम वर्क्स. तो तुम लोग को ये सब जगहों पे लोगों को पास मिलना पड़ेगा. मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर क्या बताएगा? मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर क्या बताएगा? कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट चाहिए फॉर, ये स्टैंडर्ड के केस में एक्चुअल वर्ड यूज कर दिया सर आपने, कहीं गलती तो नहीं कर रहे? करेक्ट. तो वो बेस क्या है? आउटपुट, ताकि किसको कंपेयर कर पाऊ. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एवरीबॉडी, सबका यस और नो?
इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट। तो भैया इनपुट मैं क्या भाव पे लेकर आया हूं, बराबर है। इधर आ जाते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट इनटू एक्चुअल रेट ऑफ इनपुट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। समझ में आ गया? दिस विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट टू पार्ट्स? प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परचेज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन विच विल बिकम बाय मटेरियल यूसेज वेरिएंस। भाई कितना मटेरियल तूने यूज किया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कंपेयर करूंगा एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। वो प्रोडक्शन मैनेजर किधर रहता है? विद इन द फैक्ट्री। सो ही इज कंसर्न्ड विद द स्टैंडर्ड्स गोइंग ऑन 50,000 एडवर्स ईयर। आर वी क्लियर? एंड यहां पे परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट विच इज द प्राइस। क्या सोचा था उसने और कितने में लाया, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअलिटीज एंड देयरफॉर यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इनपुट से मल्टीप्लाई किया। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सब लोगों को इधर तक समझ में आ गया? क्या ये फॉर्मूलाज खुद से क्रिएट कर पाओगे? एवरीबॉडी यस और नो? सो देखो, एक होता है मेरा मेन क्या है, स्टैंडर्ड सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। व्हाट इज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस? एक भी बंदा भी मुझे दिखाना जो नहीं बोल रहा है, यू विल हैव इट फ्रॉम मी। आगे के लेक्चर्स ही नहीं बिठाऊंगा एवरीबॉडी, ठीक है? सबसे पहला मेन क्या है मेरा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले क्या है मेरा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है एवरीबॉडी? क्या होता है? करेक्ट। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? इट इज द बराबर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये अपने को जो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था वो जरूरत पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये वो जो परचेज मैनेजर ने बोला था जितने में लाएगा, कंपेयर हुआ एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के साथ। व्हाट इज दैट? ये वो जो प्रोडक्शन मैनेजर एक्चुअली कंज्यूम किया है, यूज किया है, एंड इनटू ये एक्चुअली वो जो जितने में लेकर आया है। ये दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर होके बनता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड बनता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एंड अब ये इंटरनली कुछ भी हो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इतना कंज्यूम करना था, इतना कंज्यूम किया है, ज्यादा कंज्यूम किया है एडवर्स। कई स्टूडेंट का आदत होता है सर पहले स्टैंडर्ड लिखने का कि पहले एक्चुअल लिखने का, कुछ भी लिखो ना की फर्क पैंदा। अपने को तो लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए ना कि भाई स्टैंडर्ड जो सोचा था मटेरियल उससे ज्यादा तूने कंज्यूम किया एडवर्स आएगा। तूने जो स्टैंडर्ड रेट, तो अभी इधर मैं AR माइनस SR लिखूं, कुछ भी लिखूं, ये जब एडवर्स या फेवरेबल लिखना है ना, वो मेरे लॉजिक्स के ऊपर से मैं डिसाइड करूंगा, ना कि इंटरनली ये नेगेटिव आया तो इधर एडवर्स आएगा, वो पॉजिटिव आया तो उधर फेवरेबल आएगा, वैसा सब नहीं सोचेंगे। लॉजिकली सोचेंगे क्या कंजम्पशन हुआ है, कितना रेट लगा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल या एडवर्स। आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? यस और नो? चलो अब अपन लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ रहे हैं, विद द असम्पशन के इतना सब लोग को क्लियर हो गया है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं। तो इतना सब लोग ने लिख लिया एवरीबॉडी? यस। चलो अब और एक बाइफरकेशन है ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, कुछ आइडिया है तुमको? वो मिक्स और यील्ड में होता है, फॉर्मूला याद है? याद रखने का जरूरत भी नहीं। देखो इधर जादू देखना बाप, अभी बाकी है जादू, हो जाएगा, समझ जाएगा, तब तालियां बजाइएगा, अभी से क्यों? अरे हिंदी आता है क्या? मैंने बोला हो जाएगा जादू फिर। So, अब अपन लोग समझ रहे हैं फर्दर बाइफरकेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब अपन लोग क्या समझ रहे हैं? फर्दर बाइफरकेशन किसका? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फर्दर बाइफरकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। एवरीबॉडी यस और नो? करें क्या स्टार्ट? चलो आओ। यू नो मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। क्या? पहला होता है मटेरियल मिक्स और दूसरा होता है मटेरियल सब यूजेज या मटेरियल यील्ड। एक होता है मटेरियल मिक्स, दूसरा होता है मटेरियल सब यूजेज या मटेरियल यील्ड। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मटेरियल सब यूसेज, सॉरी मटेरियल यूसेज का जो बाइफर्केशन है ना, जो मैंने आपको बोला ना मिक्स और सब यूसेज या यील्ड, वो तब भी आएगा जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होते हो। एक ही रहेगा तो उसमें क्या मिक्स है कि नहीं। तो जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल हो, अब मेरे को बताओ कोई भी प्रोडक्ट बनने में एक ही रॉ मटेरियल लगता है उससे ज्यादा, तो प्रैक्टिकली आएगा ही आएगा ना, प्रैक्टिकली तो ज्यादा ही यूज होना है। हार्डली देयर विल बी फ्यू प्रोडक्ट जिसमें एक ही रॉ मटेरियल लगता है, 99% ऑफ द केसेस में कहना ही से एक से ज्यादा लगेगा। अरे हाँ या ना। तो अब यहां पे देखते हैं, चलो आओ समझो मेरे को एक यूनिट बनाना है, समझो स्टैंडर्ड एक यूनिट का है, स्टैंडर्ड एक यूनिट का है, स्टैंडर्ड एक यूनिट का है। अब इधर मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट के लिए, रेट अमाउंट। मेरे को बनाने के लिए चाहिए मैट ए मटेरियल ए, और चाहिए मुझे मैट बी मटेरियल बी, 60, 40, 5, 6, 300, 240, ये हो गया 540। समझियो क्या कैसे, बराबर ना। और ये 100, सो टोटल 100 रॉ मटेरियल चाहिए। अरे बोलो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा, 540। ठीक है, एक्चुअल में मैंने देखा कि तो क्या हुआ, देखो एक्चुअल में भी एक ही यूनिट बनाया मैंने, इधर भी क्यू आर ए, यहां भी मैट ए की जरूरत लगेगी कि नहीं, और मैट बी 50 ये ले आया, 50 ये हो गया यूज, रेट हो गया 3 and 4, 150, 200, 350, ये कितना हो गया 100। अब यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी, कैन आई से यहां से एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, कैन आई से यहां पे एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है। सो अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होता है तो मिक्स एंड सब यूजेज या यील्ड वेरिएंस आता है, मटेरियल मिक्स या मटेरियल सब यूजेज एंड यील्ड वेरिएंस आता है। एवरीबॉडी यस और नो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है ये बात समझ में आ गई अपन लोग सब लोग को। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कब मिक्स आता है कब यील्ड आता है, उनके लिए एक से ज्यादा हुआ ना तो मिक्स और यील्ड दोनों आएगा, ऐसा नहीं होता। सुनो क्या यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा, क्या यहां पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा, वो डिसाइड करने के लिए दो क्राइटेरियाज है, वो डिसाइड करने के लिए दो क्राइटेरियाज है। अगर ये टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर ये टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो एक्चुअल ने की लिया है और स्टैंडर्ड ने लिया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल ने लिया है, अगर वो सेम है या रादर अगर वो डिफरेंट है तो आएगा तुम्हारा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। क्या आएगा, तब तुम्हारा आएगा मटेरियल सब यूजेज या इसको कहते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मुझे बताओ क्या यहां पे टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, सेम है, तो क्या मटेरियल यूजेज वेरिएंस आएगा ये केस में, क्यों, आर यू अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल किसका, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का, अगर वो रेशियो डिफरेंट है तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा। मुझे बताओ क्या रेशियो सेम है, इसका है 6:4, इसका है 5:5, सो कहना ही से दोनों का रेशियो अलग अलग है, क्या मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा। एवरीबॉडी यस और नो, क्या आपको समझ में आया कब क्या आने वाला है, यस और नो, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं, हाँ देखते हैं। चलो समझो स्टैंडर्ड है 1 यूनिट का, ए बी क्यू आर ए 10 to 20, 8, 3, 24, 44, 18, एक्चुअल 1 यूनिट
ए बी 20 16 3 4 60 64 124 36। आप मुझे बताएंगे क्या मटेरियल सब यूजेज या मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, यील्ड आएगा या नहीं, हैगा कि नहीं हैगा? अरे यील्ड हैगा कि नहीं हैगा? हैगा, यस और नो? क्यों? अरे टोटल क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट? अगर डिफरेंट है तो अपना क्या बात हुआ, यील्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो यील्ड यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? क्या यहां पे मिक्स आएगा? काहे रेशियो इसका 10:8 है, और इसका पर देखो तो सही 10 28 16, और नंबर्स तो अलग अलग है ना, पर मिक्स क्या एनालाइज करता है? रेशियो को। मिक्स क्या एनालाइज करता है? क्या रेशियो दोनों का सेम है? रेशियो दोनों का सेम है तो क्या मिक्स आएगा कि नहीं? अभी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? अरे बोलो, यस और नो? तुम लोगों को समझता है तो ऐसे रिस्पॉन्ड करने का, यस प्लीज। मैंने कितनी बार बोला है यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव बाय अ स्माइल ऑन योर फेस। व्हाई डू यू वांट टू बी ग्रम्पी? समझ में आया तो भी समझा। क्या क्यों एटीट्यूड दे रहे हो भाई? अभी तक बने नहीं हो चार्टर, टाइम है। समझे क्या? समझे क्या? और बोर्ड का टेंशन मत लेना, हो जाएगा भर चुक। सो यहां पे डिफरेंट आया मेरा टोटल तो यील्ड एंड रेशियो में, समझ गए ना? एक और छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। स्टैंडर्ड वन यूनिट, एक्चुअल वन यूनिट, क्यू आर ए, क्यू आर ए ए बी 15 20 35 3 4 45 80 125 ए बी 20 15 20 20 4 6 80 120 200। आर वी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? अरे बताओ, मेरे को बताओ क्या इसमें यील्ड वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? दोनों तो यील्ड वेरिएंस आएगा। मिक्स आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? 1:1, ये 1:1 तो नहीं है, तो इतना समझ गया कि ये मिक्स आएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? तो सबसे पहला चीज जो अपने को जानना था वो था कौन से केस में यील्ड वेरिएंस आता है, कौन से केस में मिक्स वेरिएंस आता है। यूजुअली स्टूडेंट्स हैव आर ऑफ द थॉट कि एक से ज्यादा हुआ मतलब यील्ड और मिक्स दोनों आ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या क्या देखना पड़ेगा? यील्ड में टोटैलिटी पे हो रहा है कि नहीं? क्या देखना पड़ेगा? मिक्स में रेशियोज हो रहा है कि नहीं? अभी अंडरस्टैंडिंग? सो क्या देखना पड़ेगा मेरे को यील्ड में? यील्ड में मैं क्या चीज ऑब्जर्व करूंगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए? वेदर टोटल ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम और नॉट, बराबर कि नहीं? एंड क्या बोला? मिक्स में क्या देखूंगा मैं? रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल इज सेम और नॉट। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अरे अभी क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस और एनी इश्यूज? कोई नहीं? क्लियर, समझ में आ गया? प्लीज। तो हेडिंग देंगे बाइफरकेशन ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस। हेडिंग दोगे तुम लोग बाइफरकेशन ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस, और ब्रैकेट में लिख देना पहला पार्ट जो अपन लोग कर रहे हैं वो है टिप्स टू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस एग्जिस्ट्स और नॉट। टिप्स टू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस एग्जिस्ट्स और नॉट। अब आप लोग ये पूरा कॉपी कर लेंगे। दिस इज अ बेस टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ बेस टू अंडरस्टैंड व्हाट?
when will you calculate material yield variance and when will you calculate material mix variance. Are we clear everybody? सब लोगों को ये तीनों example समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहले में yield नहीं आएगा क्योंकि total same है, ratio अलग है, तो mix आएगा. Second वाले में yield आएगा, mix नहीं आएगा क्योंकि total अलग है पर ratio same है. Third वाले में दोनों total और ratio अलग है, yield and mix इसके लिए दोनों भी आएगा. Are we clear everybody? All yours. चलो भाई, सो मेरे को बताओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो फैक्टर्स कौन से हैं? बोलो. अरे बाबा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर देम? करेक्ट. सो मटेरियल यूसेज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर दे? मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स. बराबर है? कभी आता है मटेरियल यील्ड? कब आता है मटेरियल यील्ड? टोटल ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट सेम. कब आता है मिक्स? रेशियो ऑफ मटेरियल्स इज नॉट सेम. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अरे बोलो. ठीक है, अब देखो यहां पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं इन फॉर्मूलास को डिराइव करने के लिए. सो यहां पे अगेन स्टैंडर्ड फॉर वन यूनिट, मेरे को क्वांटिटी रेट अमाउंट चाहिए, क्वांटिटी रेट और अमाउंट चाहिए. सो अब यहां पे कैन आई से मटेरियल ए है और सामने मटेरियल बी है. मटेरियल ए 100 से ये 50, तो टोटल 150. रेट 300, 500. समझ में आया क्या? मटेरियल मिक्स एक्चुअल वन यूनिट, क्वांटिटी रेट अमाउंट. मटेरियल ए, मटेरियल बी. मटेरियल ए का क्वांटिटी कितना है? कुछ भी बोलो ना, 120. ठीक है, कितना? 120. एंड मटेरियल बी का भी लिख लेता हूं, एक सेकंड, इसको इधर से हटा देता हूं फिलहाल. ओके, यहां पे है एक्चुअल वन यूनिट के लिए. एक्चुअलिटीज में अगेन क्यू आर ए लिखूंगा मैं. सो क्यू आर ए, ये है मटेरियल ए का, ये है मटेरियल बी का. 120 एंड से 75, जस्ट ऐसे ही. रेट 2 एंड 5, 240. 75 इंटू 5 कितना होता है? हा, 375. टोटल 6715. यहां पे टोटल आ जाता है 195. कितना? 615. ठीक है, चलो. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को पूछना चाहता हूं, क्या मेरा यहां पे, सबसे पहले बताओ क्या मेरा यहां पे यील्ड वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? इधर मैट ए है 120, इधर 100 है, इधर 120 है, इधर 50 है, इधर 75 है. बराबर? तो क्या मेरा यील्ड वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्या मेरा यील्ड वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? दूसरा, क्या मेरा यहां पे मिक्स वेरिएंस आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? कह रहा इसे ये क्या है, 2:1 का रेशियो है यहां पे. यहां पे 2:1 तो नहीं है. सो कैन आई से मिक्स वेरिएंस आएगा यहां पे? एवरीबॉडी यस और नो? यील्ड वेरिएंस आएगा, यस. मिक्स वेरिएंस आएगा, यस. यस और नो? ठीक है, अब तुम लोगों को खाली एक स्टेप याद रखना है एंड देखो कैसे पूरा का पूरा आंसर तुम्हारे सामने आएगा. तुमको अभी मैं बताता हूं, ये दोनों का फॉर्मूला तुमको मटेरियल, ये किसका बाइफर्केशन है? ये कहना इसे मटेरियल यूसेज का बाइफर्केशन है. ये किसका बाइफर्केशन है? ये मटेरियल यूसेज का बाइफर्केशन है. दिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स. बराबर है? मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला,
मटेरियल यूसेज मतलब प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर मतलब कितना वो रॉ मटेरियल लाने वाला था बोला था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस शॉर्टकट वाला है इनटू रेट, बराबर है। अब मैं तुम लोग से एक थोड़ा मैथमेटिक्स समझना चाहता हूं, तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है, सीपीटी देकर पास आए हो तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। इधर देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर लिखता हूं 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, क्या लिखा है मैंने 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, क्या मैं इसको 7 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं? हाँ या ना, बाद में बोलना मत कि नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता हो, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, अगर समझो मैं 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 लिखता हूं, क्या मैं इसको 8 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं? सोच समझ के बोलना, यस और नो, चलेगा पक्का ना, बाद में पलटवार मत करना। चलो एक लास्ट लास्ट मैं लिख रहा हूं, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, क्या मैं इसको 3 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? एवरीवन या बाद में ना मत बोलना, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे ये 195 दिख रहा है, 195 सिर्फ इसका एक स्टेप तुमको याद रखना है। दिस देखो प्रॉब्लम है ना कहां पे, दो जगहों पर है, एक टोटल सेम नहीं है, दूसरा रेशियो सेम नहीं है, ठीक है। सो किन दोनों का टोटल सेम नहीं है, इन दोनों का टोटल सेम नहीं है। सो यहां पे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, क्या लिखता हूं मैं स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, इसका खाली टोटल सेम कर दो, बराबर। तो इधर टोटल सेम हो गया, अब क्या सेम नहीं है, इसको ये रेशियो में डाल दो तो दोनों का बात रख जाएंगे ना अपन लोग। तो 195 को 2:1 के रेशियो में डालो, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी कितना, 130 एंड 65। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, एक्चुअल का क्वांटिटी इक्वेट कर दिया। सो एक्चुअल का क्वांटिटी कितना था, उसको इक्वेट करके इधर 195 लिख दिया एसएमक्यू के लिए, अरे हाँ या ना। सो कहने से यहां पे टोटल सेम हो गया मेरा। अब रेशियो क्या है, यहां पे ये जो मेरा आया है टोटल, उसका मैंने रेशियो इधर ठीक कर दिया, क्या 2:1। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? सो 195 इक्वेटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्या किया, समझ में आया ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सो अब देखो यहां पे मैं खाली अभी ये फॉर्मूला से लिंक कर रहा हूं, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर यूसेज का फॉर्मूला है जो डिवाइड होता है मेरा मिक्स एंड यील्ड में। अब कैन आई राइट दिस एज, तुम लोग ही कंफर्म करना, तुम लोग ने ये तीन कंफर्म किया था, तुम लोग ही कंफर्म करना, कैन आई राइट दिस एज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर है ना, क्या मैं इसको एस क्यू माइनस एस एम क्यू माइनस सॉरी प्लस एस एम क्यू माइनस ए क्यू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये फॉर्मूला है ना एस क्यू माइनस ए क्यू, मैंने क्या किया, सेम नंबर लेस सेम नंबर एड, तो कोई फर्क पड़ा क्या? यहां पे भी यही किया था ना, सेम नंबर लेस सेम नंबर एड, ओवरऑल पे इंपैक्ट पड़ा नहीं, यहां पे भी सेम नंबर लेस सेम नंबर एड, ओवरऑल पे इंपैक्ट पड़ा, कैन आई से सेम नंबर लेस सेम नंबर एड, ओवरऑल पे इंपैक्ट पड़ा नहीं। सो कैन आई से ये सेम चीज यहां पे भी मैं कर सकता हूं, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, तो कैन आई से एस क्यू माइनस एस एम क्यू प्लस एस एम क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, तो कैन आई से मैं यहां पे ये चीज लिख सकता हूं ऐसे। अभी अंडरस्टैंडिंग, अब यहां पे मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटन एज एस क्यू माइनस एस एम क्यू इंटू एस आर, दिस कैन बी रिटन एज एस एम क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, भैया एस आर तो सबके लिए मल्टीप्लीकेबल है ना, सो इसके लिए ये मल्टीप्लीकेबल, इसके लिए मल्टीप्लीकेबल, हाँ या ना। अरे तो कहना इसे ये देखो एस क्यू माइनस एस एम क्यू, एस क्यू माइनस एस एम क्यू मैच हो रहा है क्या, टोटल मैच नहीं हो रहा है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस,
यहां पे एस एम क्यू माइनस ए क्यू, इन दोनों का क्या मचमच है? टोटल तो मैच हो रहा है पर इन दोनों का क्या मचमच है? क्या ना इसे रेशियो का मचमच है, इसको क्या कहेंगे? मटेरियल मिक्स वैरायंस। समझे क्या? दो मिनट। एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर, ये मेरे को मटेरियल यूसेज वैरायंस तो आता ही है। मैंने क्या किया अभी, मैं एक एस एम क्यू मिड फैक्टर ला रहा हूं ताकि मैं इनको इक्वेट कर सकूं। ये मिड फैक्टर कैसे लाया मैं? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो से मुझे एस एम क्यू मिल गया। अब देखो आ जाओ यहां पे एस एम क्यू को कैसे यूज करना है। ये फॉर्मूला तो मुझे आता है अच्छी तरह से, पता है, भली बात ही पता है मुझे, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस आर। मैंने क्या किया, माइनस एस एम क्यू प्लस एस एम क्यू, ओवरऑल तो सब सेम ही रहा, क्रॉस वेरीफाई कर लिया अपन लोग ने। एस क्यू माइनस एस एम क्यू, एस क्यू माइनस एस एम क्यू, इन दोनों का क्या मचमच है? रेशियो तो सेम है, इन दोनों का क्या मचमच है? यील्ड। टोटल मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ वो? यील्ड ना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज दिस। एंड यहां पे कैन आई से एस एम क्यू माइनस ए क्यू, इन दोनों का क्या मचमच है? टोटल तो मैच हो रहा है बट रेशियो मैच नहीं हो रहा है। रेशियो मैच नहीं होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो मटेरियल यील्ड वैरायंस, मटेरियल मिक्स वैरायंस। अब से अगर कोई भी सम आता है ना मिक्स और यील्ड, जो प्रैक्टिकली आने ही वाला है दो से ज्यादा, तो अपने को क्या करना है? खाली एक काम करना है, क्या? इसको इक्वेट करना है और ये रेशियो में डाल देना है। बाकी फॉर्मूला तो अपन डिराइव कर चुके हैं। इन दोनों का जो मचमच है वो है यील्ड, इन दोनों का मचमच है वो है मिक्स, हो गया। इन दोनों का मचमच एस क्यू एस एम क्यू का जो प्रॉब्लम यील्ड, एस एम क्यू ए क्यू का प्रॉब्लम मिक्स, हो गया। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। याद रखने का कुछ जरूरत ही नहीं। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? एवरीबॉडी यस? प्लीज राइट इट डाउन। लिख लेना। ऑलराइट, सो यहां पे मटेरियल यूजेज को अपन लोग ने फर्दर डिवाइड किया किन दो पार्ट में? मटेरियल यील्ड एंड मटेरियल मिक्स। यील्ड मतलब किसका मचमच? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी मैच नहीं हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट एक्चुअल क्वांटिटी टोटल मैच नहीं हो रहा है, हाँ ना? मिक्स मतलब किन दोनों का प्रॉब्लम? रेशियो। तो इन जगह पे कहने से रेशियो का प्रॉब्लम आ रहा है, रेशियो मैच नहीं हो रहा है। सो ये हो गया मेरा मटेरियल यील्ड वैरायंस, ये हो गया मेरा मटेरियल मिक्स वैरायंस। ये दोनों का जो टोटल मिला के बनता है वो मेरा बन जाता है यूसेज वैरायंस। प्रैक्टिकली जब कोई भी सम आता है तो तुमको खाली एक चीज ध्यान में रखना है, इतना जगह छोड़ दो बस। तो स्टैंडर्ड तो बनाने वाले हो, एक्चुअल तो बनाओगे ही ऐसा। सो इतना सा जगह अपने को खाली छोड़ना है, इससे इक्वेट ये, इसके रेशियो में ये। सो एस एम क्यू के लिए कैन आई राइट डाउन, एस एम क्यू इज क्या होता है? एस एम क्यू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। पर ना एस एम क्यू क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंड, यही हुआ ना, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। समझू एवरीबॉडी? सब लोग को क्लियर हो गया? तो आज अपन लोग ने अभी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किया। क्या किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में? पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझा। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन मैनेजर कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज मैनेजर ब्रिंगिंग ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस what is standard material cost? standard quantity of input for actual production into minus into standard rate minus actual quantity of input for actual production into actual rate will be further subdivided into material usage and material material usage ke liye production manager responsible. what is material usage variance? standard quantity of input for actual production minus actual quantity of input for actual production into अंदर है तो उसके लिए responsible rate, standard rate of input minus actual rate of input into actual quantity, actuality इसके लिए responsible. usage further subdivided into yield and mix. yield मतलब किन का किसका problem? total quantity का problem. so standard quantity minus standard mix quantity we can easily see here. अरे yes or no?
एंड यहां पे मिक्स इज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, इन दोनों का प्रॉब्लम से मटेरियल मिक्स वाला आंसर. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन लोग पहले स्टार्ट करेंगे एक बेसिक सम, जहां पे अपन ये पांचों पांच फॉर्मूला को समझ के सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर वेरिएंसेस. सेम वे एग्जांपल सॉल्विंग ऑल ऑफ दैट विल बी डन इन दैट मैनर. ऑलराइट, चलो अस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच.